Hello everyone, in this video we will do functions in Python. So what are functions? Large programs are often difficult to manage, thus large programs are divided into smaller units known as functions. जो बहुत large programs होते हैं, बड़े programs होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको छोटे छोटे programs में divide कर दिया जाता है. Okay, और इन छोटे छोटे programs को क्या कहा जाता है, functions कहा जाता है, right? जैसे softwares होते हैं, softwares क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े उसमें code होते हैं, right? तो क्या होता है, उन पूरा कंप्लीट कोड को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप कोड को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देते हो तो उसको मैनेज करना बहुत इजी है, राइट. फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, राइट. तो फंक्शन क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है. आपने कोड लिखा, ठीक है, उसके अंदर आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे, तो वो फंक्शन क्या करेगा, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, उनके अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा, काम करेगा, राइट. व्हेन इट इज इन्वोक्ड और कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, और वो काम कब करता है फंक्शन, जब उसको इन्वोक किया जाता है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट से, राइट. मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि कैसे. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास पावर पॉइंट है. ओके, अगर आप बिगनिंग पे क्लिक करते हो, इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करते हो, राइट, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया. ओके, यहाँ पे होम टैब को अगर आप क्लिक करोगे तो होम टैब के ऑप्शंस आ गए, राइट. इंसर्ट टैब पे आप क्लिक कर रहे हो तो इंसर्ट टैब के ऑप्शंस आ गए. तो यहाँ पे क्या है, होम टैब पे आपने क्लिक किया तो इसने कुछ फंक्शन परफॉर्म किया, इसने अपने आइकन्स को शो किया. आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया तो इंसर्ट के आपके पास ऑप्शंस आ गए. तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास सॉफ्टवेयर है, राइट, इसके बैकएंड में क्या है, कोडिंग की गई है, राइट. और होम बटन को एक फंक्शन प्रोवाइड किया गया है जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये अपने आइकन्स को शो करता है. आइकन्स जो पर्टिकुलर आइकन्स हैं, कट कॉपी पेस्ट लाइक दिस, लेआउट रीसेट, अगर आप इन पे भी क्लिक करते हो तो ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट. तो ये पूरा जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसको छोटे 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 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, और हर फंक्शन का अपना एक पर्टिकुलर क्या है, टास्क है. जैसे डिजाइन है, डिजाइन के थ्रू आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, एनिमेशन में आप एनिमेशन देख सकते हो. तो इन सबके पीछे क्या है, इन सबके पीछे फंक्शंस है जो ये क्या कर रहे हैं, जो ये शो कर रहे हैं, फाइन. Now, once defined, a function can be called repeatedly from different places of the program without writing all the codes for that function every time. आपने एक बार function को लिख लिया, right? अपने function के अंदर जो भी instructions, जो भी command लिखने हैं, वो आपने एक बार लिख लिए, right? अब आपको उसको बार बार repeatedly उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. आप उस function का code अपने program में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं, और आप जितने times चाहें उतने टाइम्स उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. कॉल करने का मतलब होता है आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, राइट. और इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अनदर फंक्शन, आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हो, कॉल करवा सकते हो, मतलब उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो बाय सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन. और कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होता है एंड पासिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स. और अगर पैरामीटर्स पास करने हैं फंक्शन में, आपको कुछ वैल्यूज पास करनी है, तो वो आप वैल्यूज पास कर सकते हो, राइट. तो क्या है, फंक्शन बहुत यूजफुल है. आपने कोड लिखा, राइट, उसको एक नेम दिया, वो आपका फंक्शन बन गया. उस कोड को आप प्रोग्राम में कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हो, राइट. द प्रोग्रामर कैन डिफाइन एज मैनी फंक्शंस एज डिजायर्ड व्हाइल राइटिंग द कोड. जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने कोड में जितने चाहे उतने फंक्शंस बना सकते हैं. इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने ही फंक्शंस बनाने हैं, आप लिमिटलेस फंक्शंस बना सकते हो. जितना बड़ा कोड है, अगर आप उसको उतने ज्यादा फंक्शंस में डिवाइड कर दोगे तो वो उतना ही आपके लिए क्या होगा, इजी टू हैंडल हो जाएगा, राइट. नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस के टाइप्स, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ओके, नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट दीज, राइट. बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस जो मॉड्यूल में डिफाइन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, राइट. अब टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले एक चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, वो क्या है, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ओके, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है. पाइथन हैज अ वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. पाइथन जो आपके पास क्या है, जो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट right? उसकी क्या है, एक उसकी एक बहुत एक्सटेंसिव मतलब बहुत बिग एक लाइब्रेरी है, और उसमें क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्ट इन फंक्शन, जो आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करता है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको वो नहीं बनाने पड़ते, राइट right? आप सिर्फ उनको यूज कर सकते हो, उनकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो, डेट कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम, आप पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हो एज एंड वेन रिक्वायर्ड, जब भी आपको वो फंक्शन चाहिए, राइट दस सेविंग प्रोग्रामर्स टाइम ऑफ क्रिएटिंग दोज कॉमनली यूज फंक्शन एवरी टाइम। तो यहाँ पे प्रोग्रामर को छोटे छोटे फंक्शन क्रिएट करने की, खुद बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन की जो लाइब्रेरी है, राइट ओके, वो आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करती है, राइट तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के, पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, वहां पे आपको बिल्ट इन फंक्शंस भी मिल जाते हैं और मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं, राइट मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन, ओके मॉड्यूल्स भी क्या होते हैं, फंक्शन कलेक्शन होता है फंक्शन का, राइट right? अब यहाँ पे फंक्शन देखो, आपको यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड कौन से हैं, जो हम लोग बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, राइट जो यूजर बनाएगा, ओके एंड जो आपको पाइथन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना, वो कौन से हैं, वो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है, और वो कौन से है, बिल्ट इन फंक्शंस है, और फंक्शंस कौन से जो मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ट इन एंड मॉड्यूल फंक्शंस आपको पाइथन खुद दे रहा है, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन आप क्रिएट करोगे, यूजर क्रिएट करेगा, ओके ओके। सो फर्स्ट वी हैव बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस आर द रेडीमेड फंक्शंस इन पाइथन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द प्रोग्राम्स, ओके। तो हमें पता चल गया है बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, रेडीमेड फंक्शंस हैं, जो पाइथन खुद हमें देता है यूज करने के लिए, ओके। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर use. In order to use this function, there is no need to import any module. और इन फंक्शन को यूज करने के लिए, बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कोई भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करना है, राइट right? आप उसको सिंपली ऐसे ही यूज कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली यूज देम इन आर प्रोग्राम, ओके। तो जैसे यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वेयर ऑफ अ नंबर, आपने एक वेरिएबल लिया a, ओके इंट एंटर अ नंबर, ओके आप एंटर कराओगे नंबर, और यहाँ पे देखो इंट फंक्शन यूज हो रहा है, इनपुट फंक्शन यूज हो रहा है, राइट इनपुट फंक्शन से आप क्या कर रहे हो, नंबर को एंटर करा रहे हो, और जो भी नंबर एंटर होगा वो इंट फंक्शन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है ओके। जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में एंटर होगा, लेकिन इंट फंक्शन उसे क्या करेगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो इनपुट एंड इंट फंक्शन क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन ने हमें दिए हुए, ओके नेक्स्ट आपने क्या किया, ओके जो भी वैल्यू आई उसका क्या किया, आपने उसका स्क्वायर निकाला और प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन क्या है, प्रिंट फंक्शन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, राइट प्रिंट फंक्शन आप सिंपली यूज कर रहे हो, आपने इसके लिए कोई कोडिंग नहीं की है, ओके तो इन द अबव प्रोग्राम इनपुट इंट एंड प्रिंट आर द बिल्ट इन फंक्शंस, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दीज बिल्ट इन फंक्शंस आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन के इंटरप्रेटर में, फाइन ओके। तो यहाँ पे इन फंक्शंस के लिए आपको कोई भी कोडिंग नहीं करनी है, कोई भी आपको इस कोड नहीं लिखना है, राइट आप इसको सिंपली एज इट इज यूज कर सकते हो, ओके ओके। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज, यहाँ पे मैंने इंट फंक्शन का यूज किया, ये क्या है मेरा बिल्ट इन फंक्शन है, ओके इनपुट दे दिया, इनपुट भी मेरा क्या है बिल्ट इन फंक्शन है, जो क्या करेगा यूजर से इनपुट कराएगा वैल्यू को, ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर अ नंबर, फाइन एंटर अ नंबर, राइट और मैंने ले लिया यहाँ पे वेरिएबल बी, जिसके अंदर ए इंटू ए आ जाएगा, सिंपल एंड प्रिंट फंक्शन जो मेरा क्या है बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने यहाँ पे उसका यूज किया, और यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दो द स्क्वेयर ऑफ ए इज B, right? Now execute this. The square of A is, wait, यहाँ पे आपने दे दिया, okay? A is
बी, राइट, एग्जीक्यूट. ओके, सो वी हैव टू एंटर एनी नंबर, तो मैंने यहाँ पे 4 दे दिया. सो सी द आंसर, द स्क्वायर ऑफ ए इज 16, द स्क्वायर ऑफ ए इज 16, ये आपका आंसर आ गया, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या मैंने शो किया है, बिल्ट इन फंक्शन, इंट, इनपुट, प्रिंट, तो ये आपके क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है. ओके, हेयर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, आपके इनपुट आउटपुट फंक्शन लाइक इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, डेटा टाइप कन्वर्जन, बूल, कैर, इन फ्लोट. ओके, ये आपके क्या है, डेटा टाइप कन्वर्जन बिल्ट इन फंक्शन है. मैथमेटिकल फंक्शन, ओके, डिव मोड, ओके, मैक्स, मिन, पावर, सम, राइट, एंड अदर फंक्शन लाइक लेन, रेंज टाइप. तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन के हैं जो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है. ओके, अभी हमने किया बिल्ट इन फंक्शन, नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन डिफाइंड इन द मॉड्यूल, राइट. बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूल होता क्या है. फंक्शन डिफाइंड इन द मॉड्यूल, जो फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन होते हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूल क्या होता है. अदर देन द बिल्ट इन फंक्शंस, द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. तो ये क्या कह रहा है कि पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शंस तो होते ही हैं, ओके, इसके साथ साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स भी होते हैं. ओके, तो व्हाइल अ फंक्शन इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑफ इंस्ट्रक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट. फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और यू कैन सी कलेक्शन ऑफ कमांड्स है. ओके, और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज अ ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन, और एक मॉड्यूल क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. देखो, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर बिल्ट इन फंक्शन भी है और बहुत सारे मॉड्यूल्स भी है. ओके, जब आप क्या करते हो, फंक्शन को कलेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर यूनिट में, राइट. ये आपने आपका फंक्शन 1 है, ये आपका फंक्शन 2 है. ओके, आपने फंक्शन को कलेक्ट किया है एक पर्टिकुलर यूनिट में, तो उस यूनिट को कहा जाता है मॉड्यूल, राइट. उस यूनिट को कहेंगे मॉड्यूल. और फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के अंदर होते हैं इंस्ट्रक्शंस, राइट, दैट वी नो. तो जब आप कलेक्शन ऑफ फंक्शंस करते हो, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, मॉड्यूल, फाइन. फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इट मे नॉट बी फिजिबल टू मैनेज द कोड इन वन सिंगल फाइल, देन द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अंडर डिफरेंट लेबल्स कॉल्ड मॉड्यूल. तो ये क्या कह रहा है, जब आपके पास बहुत बड़ा कोड होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको एक एक क्या कर सकते हो, सिंगल फाइल को मैनेज नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कोड को आप मैनेज नहीं कर सकते. यहाँ पे आप क्या करते हो, प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में, राइट. तो उनको क्या कहा जाता है, मॉड्यूल्स कहा जाता है. ऑल्सो सपोज वी हैव क्रिएटेड सम फंक्शंस इन अ प्रोग्राम एंड वी वांट टू रीयूज देम इन अनदर प्रोग्राम. अगर आप चाहते हो, आपने क्या किया, कुछ फंक्शंस क्रिएट किए एक प्रोग्राम में, और आप चाहते हो ये फंक्शंस आप किसी दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सको, ओके, इन दैट केस वी कैन सेव दोस फंक्शंस अंडर अ मॉड्यूल एंड रीयूज देम. इस केस में आपको क्या करना है, उन फंक्शंस को मॉड्यूल की फॉर्म में सेव कर लेना है, सो दैट यू कैन एक्सेस देम इन अदर प्रोग्राम्स आल्सो, राइट. इससे क्या होगा, आप दूसरे प्रोग्राम्स में भी उनको यूज कर सकते हो. A module is created as a python.py file containing a collection of functions definition. तो module बनाने के लिए आपको क्या करना है, functions को एक फाइल के अंदर स्टोर करना है, और वो फाइल, उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, .py उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, राइट. और मॉड्यूल बनने के बाद आप मॉड्यूल को कहीं पर भी यूज कर सकते हो. समझ आया, पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं और मॉड्यूल्स भी होते हैं. फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट. और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, राइट. ओके, आप जब फंक्शंस को कलेक्ट करते हो एक पर्टिकुलर फाइल में, वो क्या बन जाता है, मॉड्यूल, राइट. और मॉड्यूल को आप एक फंक्शन क्या कर सकते हो, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो. आपने एक बार मॉड्यूल को क्रिएट कर लिया, उस मॉड्यूल को आप अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हो, फाइन. ओके, आपने मॉड्यूल को क्रिएट किया, राइट, आपने उसको एक फाइल के अंदर स्टोर किया,
राइट, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को एक फाइल में, मतलब फंक्शंस को आपने फाइल में स्टोर किया, वो क्या बन गया आपका मॉड्यूल, आपने डॉट पी वाई एक्सटेंशन से उसको सेव कर लिया, राइट right? अब आप उसको यूज कैसे करेंगे? टू यूज अ मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल. अगर आपको इस पर्टिकुलर फाइल को किसी प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट right? उस प्रोग्राम में इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा. वंस वी इम्पोर्ट अ मॉड्यूल वी कैन डायरेक्टली यूज ऑल द फंक्शन ऑफ दैट मॉड्यूल. एक बार आपने एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया तो उसके अंदर आपने जितने भी फंक्शंस उस मॉड्यूल के अंदर हैं, आप उन सारे फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो. ओके, द सिंटैक्स ऑफ इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज. और इसकी जो स्टेटमेंट होती है, राइट आप कैसे इम्पोर्ट करोगे, उसका क्या सिंटैक्स है, इम्पोर्ट और मॉड्यूल का नाम, राइट, मॉड्यूल नेम वन, मॉड्यूल नेम टू. आप एक साथ मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी इम्पोर्ट कर सकते हो या फिर सिंगल मॉड्यूल को भी इम्पोर्ट कर सकते हो, राइट. This give us access to all the functions in the module. मैंने अभी बताया, आपने जिस भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया आप उसके सारे फंक्शन को यूज कर सकते हो. टू कॉल अ फंक्शन ऑफ अ मॉड्यूल द फंक्शन नेम शुड बी प्रिसीडेड विद द नेम ऑफ द मॉड्यूल विद द डॉट सेपरेटर. अगर आपको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है, राइट यूज करना है, तो आप कैसे करोगे, आप पहले मॉड्यूल का नाम लिखोगे, डॉट फंक्शन का नाम लिखोगे, राइट, मॉड्यूल का नेम एंड देन फंक्शन का नेम. सम कॉमनली यूज मॉड्यूल्स आर मैथ, रैंडम, स्टेटिस्टिक्स, राइट. ये पाइथन के कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनके नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैथ, रैंडम, स्टेटिस्टिक्स, राइट. Python is case sensitive, all the module names are in lower case. तो आपको ये ध्यान रखना है, Python हमारी कौन सी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर आप मॉड्यूल नेम्स दे रहे हो तो आपको इनको लोअर केस में देना है. ओके ओके, हमें पता चल गया मॉड्यूल क्या होता है. अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, राइट. दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स. ये फंक्शंस क्या होते हैं, एक मॉड्यूल्स के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं. ओके, दीज फंक्शन कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूल्स इज इम्पोर्टेड. और आप देखो, पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती है और उन मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है, राइट. और दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड When the corresponding module is imported. और आप जब भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को इम्पोर्ट करोगे उसके सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो, राइट. सम कॉमनली यूज फंक्शन इन मैथ मॉड्यूल. अब यहाँ पे दिखाया हुआ कि अगर मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट करते हो तो उसके कुछ फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो, स्क्वेयर रूट, पावर, फैक्टोरियल, एफ मोड, फ्लोर, सिन, कॉस, एक्सेट्रा, राइट. सम कॉमनली यूज फंक्शन इन द रैंडम मॉड्यूल, रैंडम, रैंड इंट, रैंड रेंज, राइट, ये आप यूज कर सकते हो. Some of the function available through the statistics module, mean, median, mode. Okay, आप statistics module के mean, median, mode functions को use कर सकते हो. तो ये functions हैं, कौन से functions हैं, functions defined in module. इन functions को use करने के लिए आपको module को import करना ही पड़ेगा, otherwise आप इन functions को use नहीं कर सकते, right? Okay. अब जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने स्क्वेयर रूट निकालना चाहती हूँ तो स्क्वेयर रूट फंक्शन का यूज कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे ले लिया 9. ओके, राइट, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है जो मॉड्यूल के अंदर डिफाइन होता है, फाइन. बट मैंने अभी यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल इम्पोर्ट नहीं किया है, मैंने सिंपल ऐसे इसको यूज करके देख रही हूँ स्क्वेयर रूट फंक्शन का, राइट. इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो यहाँ पे एरर आ गई है, नेम स्क्वेयर रूट इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे मॉड्यूल तो इम्पोर्ट किया ही नहीं है. और ये फंक्शन किस में किस मॉड्यूल का है, मैथ मॉड्यूल का है, राइट. ओके, तो इसके लिए हमें, आप जो एरर है वो कैसे हटाओगे, आप सबसे पहले इम्पोर्ट करोगे इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल, राइट. और अब मैथ मॉड्यूल का स्क्वेयर रूट फंक्शन आप कैसे यूज करोगे, मैथ मॉड्यूल डॉट स्क्वेयर रूट, राइट. अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, देखो आपका आंसर आ गया 3.0. ओके, लुक, दिस इज योर आंसर 3.0. क्यों, क्योंकि यहां पे हमने पहले क्या किया है, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, फिर मैथ मॉड्यूल के स्क्वेयर रूट फंक्शन का यूज किया है. तो ये कौन से फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस डिफाइंड इन द मॉड्यूल. ओके,
नेक्स्ट वी हैव यूजर डिफाइंड फंक्शंस, वो फंक्शंस जो यूजर क्रिएट करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग, राइट. फंक्शंस दैट वी डिफाइन आरसेल्व्स टू डू सर्टेन स्पेसिफिक टास्क आर रेफर्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस. वो फंक्शंस जो हम खुद क्रिएट करते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ओके, अ फंक्शन डेफिनेशन बिगिंस विद द डेफ शॉर्ट फॉर डिफाइन. ओके, तो जो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो किस कीवर्ड से स्टार्ट होती है, डेफ से. ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो किसका शॉर्ट फॉर्म है डिफाइन का, राइट. डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन. The syntax for creating a user defined function is as follows. तो ये हमारे पास function, user defined function का syntax है. Def function का name, okay. Parameters, जो भी parameters अगर आप function में pass कर रहे हो, okay. And जो function का header है, okay, वो कैसे end होगा, वो colon से end होगा, okay, right. यहाँ पे क्या है, colon. This is your function header. This complete line is your function header. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, इसको फंक्शन हेडर बोलोगे या फंक्शन डेफिनेशन आप बोलोगे. डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन. ओके, राइट. अब फंक्शन की बॉडी में क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन बॉडी शुड बी इंडेंटेड विद इन द फंक्शन हेडर. अब आपको ये ध्यान रखना है, जो फंक्शन की बॉडी है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर होनी चाहिए. ओके, इंडेंटेड होनी चाहिए. फाइन, अगर ये बाहर हुई फंक्शन डेफिनेशन से, राइट, फंक्शन के हेडर से, तो वो फंक्शन का पार्ट नहीं मानी जाएगी, राइट. और अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, रिटर्न कीवर्ड होगा, राइट. तो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं. द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन डेट बिगिंस विद द कीवर्ड डेफ एंड एंड्स विद द कॉलन. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन है वो किससे बिगिन होती है, डेफ कीवर्ड से बिगिन होती है और कॉलन से एंड होती है. स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट्स पैरामीटर. और फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन है फंक्शन की, जिसे फंक्शन हेडर कहते हैं, उसमें क्या क्या आप देते हो, फंक्शन का नेम देते हो और पैरामीटर्स, जो भी फंक्शन के अंदर आप वैल्यूज पास कर रहे हो वो. ओके, द आइटम्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स एंड दे आर ऑप्शनल. और पैरामीटर्स क्या है, ऑप्शनल है. आप देना चाहते हो फंक्शन में पैरामीटर्स, वैल्यूज आप पास करना चाहते हो तो आप पास कर सकते हो, नहीं पास करना चाहते हो तो नहीं पास करोगे, राइट. हैंस अ फंक्शन मे और मे नॉट हैव पैरामीटर्स. और फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स आप पास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. तो ये फंक्शन विद पैरामीटर्स भी हो सकता है और विदाउट पैरामीटर्स भी हो सकता है, राइट. विदाउट पैरामीटर्स भी फंक्शन हो सकता है. ऑल्सो फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू. और ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन हमेशा वैल्यू को रिटर्न करे. ये वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. ओके, फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड्स विद अ कॉलन. ये मैंने अभी बताया कि फंक्शन का जो हेडर है वो उसको आप हमेशा कॉलन से एंड करोगे. फंक्शन नेम शुड बी यूनिक. रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स ऑल्सो अप्लाइज फॉर फंक्शन नेमिंग. जो आइडेंटिफायर के लिए यूज मतलब रूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी पाइथन के अंदर वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उसके जो आप नेमिंग रूल्स फॉलो करते हो, वही नेमिंग रूल्स आप फंक्शन के नेम के लिए भी यूज करोगे. क्या क्या होते हैं, इट कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड पाइथन कीवर्ड. आप फंक्शन नेम में कोई भी पाइथन का रिजर्व्ड कीवर्ड यूज नहीं कर सकते. लाइक आपने इंट, बूल, राइट, फ्लोट जैसे डेटा टाइप्स है, इनका नेम नहीं यूज कर सकते. ओके, इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस. आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने लिखा फंक्शन एफ, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एफ और आपने स्पेस देके लिख दिया वन, तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होगा फंक्शन नेम के अंदर, राइट. ओके, और फंक्शन नेम क्या होगा, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू जी, स्मॉल ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, 0 to 9 और अंडरस्कोर. आप इसके अंदर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है, आप इसके अंदर लेटर्स यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर नंबर्स यूज कर सकते हो. फाइन, स्पेस यूज नहीं होगा, राइट. इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट कैरेक्टर्स और एन अंडरस्कोर. और हमेशा याद रखना है फंक्शन का नेम किससे स्टार्ट होगा, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर आप अंडरस्कोर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, राइट. अंडरस्कोर से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो. इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर. और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा. फाइन, समझ आ गया. तो आपको फंक्शन नेम
यूजर डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन नेम बनाते हुए इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो वो कोई पर्टिकुलर कीवर्ड ना हो, राइट, कोई रिजर्व्ड पाइथन वर्ड मतलब कीवर्ड ना हो, उसके अंदर स्पेस ना हो, राइट, ओके, और अगर स्टार्ट होगा तो किससे होगा, लेटर से होगा या अंडरस्कोर से होगा, राइट, ओके. नेक्स्ट वी हैव The statements outside the function indentation are not considered as part of the function. तो मैंने अभी आपको बताया था जो body होती है function की वो function के अंदर intended होनी चाहिए. Okay, function के अंदर ही indented होनी चाहिए, मतलब function के अंदर enclosed होनी चाहिए. अगर बाहर होगी तो वो function का part नहीं मानी जाएगी. A function must be called invoked to execute its code. और function कब काम करता है, कब execute करता है, जब function को call किया जाता है, जिसको हम practically करके देखेंगे, okay? Now user defined function can be of following types. User defined functions कि ये types हैं कि किस किस type के functions हो सकते हैं. Functions with no arguments, no return value. ओके, functions जिसके अंदर ना तो argument है ना ही return value है. Function with arguments, फंक्शन जिनके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है बट रिटर्न वैल्यू नहीं है. फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी और रिटर्न वैल्यू भी है. फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है एंड रिटर्न वैल्यू है. अब आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको हम वन बाय वन करेंगे, राइट, ओके, ओके. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट टाइप, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जिसके अंदर ना तो आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है ना ही फंक्शन कोई रिटर्न वैल्यू पास करेगा, ठीक है. द फंक्शंस दैट परफॉर्म सम एक्शन बट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलर आर कॉल्ड वॉइड फंक्शन. ऐसे फंक्शन जो कुछ फंक्शन तो जो कुछ काम तो करते हैं, राइट, लेकिन वो कॉलर फंक्शन को, कॉलर फंक्शन कौन सा, कॉलर को मतलब जिसने फंक्शन को कॉल किया है उसको कहते हैं कॉलर, बट वो कॉलर को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. कैसे, अब देखो हम यहाँ पे समझते हैं एक एग्जांपल. ये हमारा फंक्शन है, डेफ कीवर्ड है आपका डिफाइन, ओके, फंक्शन का नेम क्या है, डिस्प्ले, राइट. अब देखो इसके अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है. अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट पास करनी होती तो वहां यहाँ पे जाके होती, राइट. ये क्या है आपका फंक्शन हेडर, ये कंप्लीट जो है वो क्या है आपका फंक्शन हेडर, या आप कहोगे फंक्शन डेफिनेशन. इसके अंदर आपने क्या दिया है, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने दिया है प्रिंट स्टेटमेंट, और आपने दे दिया है प्रिंट में वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट, ओके. नाउ उसके बाद आपने क्या किया, ये आपका कंप्लीट फंक्शन है, दिस इज योर कंप्लीट फंक्शन, इतना ये आपका कंप्लीट एक फंक्शन है. अब आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट, आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कराओगे, आप फंक्शन का नेम लिख दोगे सिंपली. आपने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले, तो ये जो आपने नेम लिखा है वो क्या है, फंक्शन कॉल, राइट. फंक्शन कॉल का मतलब क्या होता है, इट विल इनवोक द फंक्शन, राइट. फंक्शन देखो, आप एग्जीक्यूशन देखो, इंटरप्रेटर कैसे एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर करता है आपका फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट. तो सबसे पहले इंटरप्रेटर गया आपकी फर्स्ट लाइन पर, राइट, लेकिन उसे वहां पे क्या मिल गया, उसको वहां पे मिल गया डेफ कीवर्ड, राइट. डेफ कीवर्ड मिलने के बाद क्या होता है, डेफ कीवर्ड इंटरप्रेटर क्या करता है, सिर्फ हेडर, जो हेडर होता है, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फर्स्ट लाइन होती है, उसको चेक करता है और बॉडी पार्ट को स्किप कर देता है, इसको वो चेक नहीं करता है, राइट. देन इट विल गो टू द नेक्स्ट कमांड. अब नेक्स्ट कमांड में क्या आ गया, आपकी कॉल आ गई, फंक्शन की कॉल आ गई, राइट. फंक्शन कॉल आते ही ओके, जो कंट्रोल होता है वो कहाँ चला जाता है, वो फंक्शन पर चला जाता है. फंक्शन की कॉल आते ही कंट्रोल आपका कहाँ चला जाएगा, फंक्शन की पर चला जाएगा, राइट. अब फंक्शन पे चला जाएगा मींस फंक्शन कॉल का मीनिंग होता है फंक्शन इनवोक हो गया है, राइट, ओके, एक्टिव हो गया आपका फंक्शन. अब क्या होगा, अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फाइन. अब बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, जो आपका रिजल्ट आ गया है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग. समझ आया, एग्जीक्यूशन तो आपका फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होगा, राइट, लेकिन जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो क्या करेगा, डेफ कीवर्ड को देखेगा, तो वो सिर्फ क्या करेगा, हेडर लाइन को चेक करेगा, बॉडी को वो इग्नोर कर देगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएगा बिलो द बॉडी. नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसके पास क्या आ गया, उसके पास आ गया फंक्शन कॉल, और जैसे ही फंक्शन कॉल आएगा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पर चला जाएगा, फंक्शन हेडर पर चला जाएगा, और फंक्शन क्या करेगा, अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा, ओके.
तो इस फंक्शन में क्या है, नो आर्ग्यूमेंट, ओके, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है आपके पास, राइट right? देखो यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुई है और ना ही कोई रिटर्न वैल्यू हुई है, राइट right? कोई भी वैल्यू रिटर्न हुई है, राइट right? ओके okay? अब इसको हम प्रैक्टिकली कर, राइट right. लिखा डेफ फंक्शन वन फाइन, और यहाँ पे आप प्रिंट में दे दो प्रिंट, प्रिंट में हम दे देते हैं वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके एक और प्रिंट स्टेटमेंट देती हूँ मैं, प्रिंट यहाँ पे हमने दे दिया स्टार, फाइन स्टार, ओके अब देखो मैं इसको क्या करती हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल कर देती हूँ फंक्शन वन, राइट आपने इसको कॉल कर दिया सिंपली, सी आपका रिजल्ट आ गया यहाँ पर, सी दिस इज योर रिजल्ट, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड स्टार, ओके तो इंटरप्रेटर ने क्या किया, पहले फर्स्ट लाइन पे गया, चेक किया, ओके बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया, उसके बाद वो कहाँ पे गया, फंक्शन जो आपकी फंक्शन बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट थी उसमें क्या है, फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल जैसे ही आया तो कहाँ पे चला गया, कंट्रोल आपके फंक्शन हेडर पे चला गया और आपका फंक्शन क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई एंड यू गॉट द रिजल्ट, फाइन ओके अब देखो मैं क्या करती हूँ, कुछ फंक्शन और बनाती हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पे बनाया डेफ फंक्शन टू फाइन, और मैंने उसमें दे दिया प्रिंट एंजॉय लर्निंग, फाइन और यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया अगेन स्टार, फाइन एंड मैंने एक फंक्शन और बना दिया डेफ फंक्शन थ्री, ओके फंक्शन थ्री एंड आप उसमें प्रिंट कर दो प्रिंट बाय, इसमें हम लिख देते हैं बाय, ओके नाउ आपने फंक्शन वन को कॉल किया यहाँ पर, फंक्शन टू को कॉल किया और फंक्शन थ्री को कॉल किया, राइट तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया, ओके नाउ लुक एट द रिजल्ट, ये देखो आपका फंक्शन वन का जो था वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया है और स्टार आ गया है, फिर आपने फंक्शन टू को कॉल किया, ओके तो आपका फंक्शन टू का क्या था एंजॉय लर्निंग एंड स्टार वो आ गया, देन फंक्शन थ्री आपने कॉल किया तो बाय आ गया, ठीक है जिस ऑर्डर में आप फंक्शन को कॉल करोगे उस ऑर्डर में ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट फंक्शन का ऑर्डर ही डिसाइड करता है, अगर आप चेंज कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा, मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे पहले फंक्शन टू कर दिया, फिर फंक्शन मैंने यहाँ पे थ्री कर दिया एंड यहाँ पे मैंने फंक्शन वन कर दिया, ओके देखो पूरा हमारा प्रोग्राम ये है फंक्शन टू थ्री एंड वन, ठीक है अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, नौ अब यहाँ पे देखो सी पहले आपने फंक्शन टू को कॉल किया तो फंक्शन टू में क्या था एंजॉय लर्निंग एंड स्टार, तो आपका आ गया एंजॉय लर्निंग एंड स्टार ये आ गया, फिर आपने फंक्शन थ्री को कॉल किया बाय तो आपका बाय लिखा हुआ आ गया, फिर आपने फंक्शन वन को कॉल किया ठीक है तो आपका वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड स्टार आ गया, तो जिस ऑर्डर में आप फंक्शन को कॉल करोगे उस ऑर्डर में ही आपका क्या होगा एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, राइट क्योंकि जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो एग्जीक्यूशन कैसे करता है, वो फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन, लाइन वाइज एग्जीक्यूशन होता है, राइट नेक्स्ट आपका टाइप क्या है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो पास कर रहे हो आप राइट बट वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ओके तो यहाँ पे देखो ये आपका डेफ कीवर्ड है राइट आपके फंक्शन का नेम है एड अंडरस्कोर नंबर्स, ओके और उसमें दो वैल्यूज क्या हो रही है वो रिसीव कर रहा है ठीक है ओके किससे कॉलर से
ओके, कौन कौन सी, नम1 एंड नम2, राइट। एंड यहाँ पे क्या है, ये इसकी बॉडी है, फंक्शन की बॉडी। फाइन, अब देखो पहले कंट्रोल जाएगा आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट पे, डेफ पे। डेफ पे क्या करेगा, हेडर को चेक करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और बिलो द फंक्शन चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो फर्स्ट स्टेटमेंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो इसको मिलेगी ये एंटर नंबर 1, ठीक है। ये आपने एंटर नंबर 1 इनपुट कराया यूजर से इनपुट फंक्शन की हेल्प से, और इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में इंट फंक्शन की हेल्प से, और जो भी नंबर आप एंटर कराओगे वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, नम1 वेरिएबल में। तो देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आएगी वो आएगी एंटर नंबर 1, तो आपने यहाँ पे 20 दे दिया लेट अस सपोज। ओके, सेकेंड आपकी स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी एंटर नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे देखो एंटर नंबर 2 आप एंटर क्या करोगे, सेकंड नंबर को एंटर करोगे। फाइन, अब जो नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी ये वाली है एड नंबर। ओके, एड अंडरस्कोर नंबर्स, ये एड अंडरस्कोर नंबर्स क्या है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, और फंक्शन को कॉल करते टाइम आप क्या कर रहे हो, दो वैल्यूज को फंक्शन में पास कर रहे हो, नम1 एंड नम2। नम1 जो आपने यूजर से एंटर कराई है एंड नम2 भी आपने यूजर से एंटर कराई है, वो दो वैल्यूज आप कहाँ पास कर रहे हो, वो आप फंक्शन के अंदर पास कर रहे हो, ठीक है। ये आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नेम यहाँ पे लिख के, और आपने क्या किया, दो वैल्यूज को पास कराया फंक्शन में, यहाँ से आपकी वैल्यूज जाएंगी फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये आपकी फंक्शन के अंदर जाएंगी वैल्यूज, टू वैल्यूज विल गो इनसाइड द फंक्शन। फाइन, तो जब आपका कॉलर, ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो वैल्यूज ही पास करता है वो, उन वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नम1 एंड नम2 क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे नम1 देखो 20 आपने पास किया, 20, ओके, एंड आपका नम2 30, ओके। ये 30 कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा यहाँ पर, ओके, मतलब फंक्शन हेडर के अंदर, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, राइट। और जब ये यहाँ पे फंक्शन का हेडर इसको रिसीव करता है, तो ये किस नेम से रिसीव करता है, ये पैरामीटर्स के नेम से इसको रिसीव करता है। फाइन, और ये ध्यान रखना है कि नम1 की वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जाएगी, जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जाएगी, और जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड वेरिएबल के अंदर जाएगी, जो थर्ड वैल्यू है वो थर्ड वेरिएबल के अंदर जाएगी। जिस ऑर्डर में आप वैल्यू पास कर रहे हो उस ऑर्डर में ही वैल्यूज क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी। फाइन, उस वैल्यू में, उस ऑर्डर में ही वैल्यूज ट्रांसफर होंगी। फाइन, तो यहाँ पे जो भी है 20 एंड 30 कहाँ चला गया, 20 नम1 के अंदर चला गया एंड 30 नम2 के अंदर चला गया, और फंक्शन कॉल जब आपने किया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, नम1 प्लस नम2 किया है, जो कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, सम वेरिएबल में, और आपने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट करा दिया सम को, ओके। इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। फाइन, और क्या है, सिंपली ये एग्जीक्यूट हुआ और ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पास, सम इज इक्वल टू 50। समझ आया, पहले आपकी ये जो ये नम1 वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई, फिर ये सेकंड आपकी नम2 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फिर आपका फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो आपका क्या हुआ, वो फंक्शन इन्वोक हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ, उस फंक्शन के अंदर नंबर का एडिशन हुआ और सम प्रिंट हो गया, जो आपके पास एज अ रिजल्ट आ गया। फाइन, अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है पाइथन रेफर्स टू द आर्ग्यूमेंट्स, क्या है, पाइथन रेफर्स टू द वैल्यूज बीइंग पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो जो वैल्यूज पास होती है, ओके, जो कॉलर पास करता है फंक्शन को, उसको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स अपीयर इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, और आर्ग्यूमेंट्स कहाँ होती है, फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट में होती है, राइट। ये फंक्शन की आपकी कॉल स्टेटमेंट है, ओके, इसके अंदर जो वैल्यूज, ओके, जो आप पास कर रहे हो उनको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, राइट। वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड, और जो वैल्यू फंक्शन रिसीव करता है उनको क्या कहा जाता है, पैरामीटर्स कहा जाता है। पैरामीटर्स अपीयर्स इन द फंक्शन हेडर्स, तो फंक्शन हेडर्स में जो वैल्यू रिसीव होती है उनको पैरामीटर्स कहा जाता है, और फंक्शन की जो कॉल स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज पास की जाती है, ओके, उनको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है, राइट। ओके, तो फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डेफ, राइट, ये मेरा फंक्शन का नेम है, मैंने ले लिया एड नंबर्स, ओके, इसमें मैंने ले लिया नम1 एंड नम2, राइट। फाइन, ओके, तो हम इसको बाद में भी लिख सकते थे पैरामीटर्स को,
लेकिन मैंने अभी इसको पहले ही लिख दिया है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही कि मैं इसके अंदर दो वैल्यूज क्या करवाऊंगी, पास करवा दूंगी। और मैंने यहाँ पे ले लिया सम num1 प्लस num2, राइट, प्रिंट सम इज, और यहाँ पे हमने दे दिया वैल्यूज की सम। अब देखो, अब हमने क्या किया, num1 को एंटर कराते हैं, ये हमारा क्या है, आउटसाइड फंक्शन है, int इनपुट, और इनपुट में आप एंटर कराओ एंटर नंबर वन, देन नंबर टू इंट इनपुट एंटर नंबर टू, फाइन। अब देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन पहले क्रिएट कर लिया, राइट। आप क्या कर सकते थे, पहले आप ये स्टेटमेंट्स भी लिख सकते थे और लेटर ऑन आप क्या कर सकते थे, फंक्शन को क्रिएट कर सकते थे, फाइन। आप फंक्शन आप कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। नाउ अब मेरा फंक्शन है एड नंबर्स, मैं इसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी तो सिंपल एड अंडरस्कोर नंबर्स, ओके। और इसमें मैं कौन से आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगी, कौन सी वैल्यूज पास करूंगी, नम वन एंड नम टू, जो हमने कहां से ली है, जो हम यूजर से एंटर कराएंगे, ठीक है, नम वन नम टू, ओके। अब मेरी ये जो नम वन की वैल्यू है वो कहां चली जाएगी, वो मेरी नम वन की वैल्यू चली जाएगी नम वन के पास, राइट, यहाँ पे, और नम टू की वैल्यू मेरी चली जाएगी नम टू के पास, फाइन। इसी और जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को पास कराओगे उसी ऑर्डर में आपकी वैल्यूज क्या करेगा, पैरामीटर रिसीव करेगा। यहाँ पे आपका नम वन एंड नम टू क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, ओके, एंड नम वन या और या फंक्शन डेफिनेशन में, और यू कैन से फंक्शन हेडर में आपका नम वन एंड नम टू क्या है, पैरामीटर्स, फाइन, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया एंटर नंबर वन, मैंने लेटर सपोज यहाँ पे कर दिया 30, ओके। अब ये एंटर नंबर टू, मैंने नेक्स्ट नंबर एंटर करा दिया 40, राइट। आपके पास रिजल्ट आ गया है सम इज 70, राइट, ये आपका रिजल्ट आ गया, सम इज 70। तो देखो इस फंक्शन के अंदर क्या है, आपने आर्ग्यूमेंट्स तो पास किए हैं, ओके, ये आपने आर्ग्यूमेंट तो पास किए हैं, बट आपका जो फंक्शन है वो कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वेरिएबल रिटर्न नहीं कर रहा है, देयर इज नो रिटर्न, ओके। तो क्या, कौन सा फंक्शन हो गया आपका, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट तो पास हो रहे हैं पर रिटर्न वैल्यू पास नहीं हो रही है, ओके। अब यहाँ पे देखो, मैंने आर्ग्यूमेंट्स के और पैरामीटर्स के दोनों के नेम सेम लिए हैं, आप दोनों के नेम डिफरेंट भी ले सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए, ओके, और यहाँ पे ले लिया बी, राइट, इसको कर देते हैं ए, ओके, एंड इसको कर देंगे हम बी, राइट। अब यहाँ पे देखो हमारे पैरामीटर्स और ये देखो आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नम वन एंड नम टू, और आपके पैरामीटर्स क्या है, ए एंड बी। तो नम वन की वैल्यू कहाँ जाएगी, ए के अंदर जाएगी, नम टू की वैल्यू कहाँ जाएगी, बी के अंदर जाएगी। जिस ऑर्डर में आप वैल्यू पास करते हो उस ऑर्डर में ही वैल्यू रिसीव होती है, फाइन, ओके। नाउ अब आप इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है, तो क्या होगा, क्या कोई डिफरेंस आएगा रिजल्ट में, नो, एडिशन आएगा आपका सेम, आपको नंबर वन एंटर कराना है, मैंने यहाँ पे 60 करा दिया, नंबर वन एंटर, नंबर टू मैंने अगेन 60 करा दिया, ओके। तो आपका रिजल्ट देखो, यहाँ पे आपका सम आ गया है 120, फाइन, दिस इज योर रिजल्ट, सम इज 120, ओके। तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स है और पैरामीटर्स है, आप उसके नेम सेम भी रख सकते हो और आप उसके नेम्स डिफरेंट भी रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट आपका है फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर रहे हो और वो फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, ओके। तो आपने यहाँ पे देखो फंक्शन बनाया है एड अंडरस्कोर नंबर्स, राइट,
ओके, और ये क्या है, फंक्शन की बॉडी है। तो सबसे पहले आपका इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा, डेफ कीवर्ड के पास जाएगा, मतलब फर्स्ट लाइन पे जाएगा, फर्स्ट लाइन में उसे डेफ कीवर्ड मिलेगा। ओके, वो फंक्शन हेडर को चेक करेगा और फंक्शन बॉडी को इग्नोर करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंटर नंबर वन। ओके, इनपुट फंक्शन से आप क्या करोगे, प्रॉम्प्ट प्रिंट कराओगे एंटर नंबर वन, राइट। तो आपने यहाँ पे दिया 40, जो क्या हो जाएगा, इंट फंक्शंस को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज 40 वो कैसे रिसीव होगा, एज अ टेक्स्ट रिसीव होगा, लेकिन हम इंट फंक्शन का इसलिए यूज करते हैं जिससे वो क्या करे, न्यूमरी डेटा में चेंज हो जाए, फाइन। नेक्स्ट आपका आएगा एंटर नंबर टू, आपने 70 यहाँ पे एंटर करा दिया। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कॉल है, आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, राइट। और फंक्शन को कॉल जब आपने किया है तो फंक्शन कॉल में आपने क्या किया, टू और आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है, फाइन, नम वन को और नम टू को, जो आपने यूजर से एंटर कराए हैं। ओके, तो जैसे ही आप फंक्शन कॉल करोगे आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे चला जाएगा, फंक्शन के हेडर पे चला जाएगा, और वैल्यूज पास हो जाएंगी। नम वन एंड नम टू आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू कहाँ चली जाएंगी, ए एंड बी के अंदर, पैरामीटर्स के अंदर चली जाएंगी, राइट। फिर फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या हुआ, ए प्लस बी, ओके, एंड उसकी वैल्यू कहाँ चलेगी, वेरिएबल एस के अंदर, और वेरिएबल एस क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ओके, अब वेरिएबल एस कहाँ चला जाएगा, वेरिएबल एस अगेन चला जाएगा फंक्शन कॉल वाले स्टेटमेंट पे, और फंक्शन कॉल की जगह क्या आ जाएगा, वेरिएबल एस की वैल्यू, ये इसको ओवरराइट कर देगा। मतलब यहाँ पे अब ये जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है वो हट जाएगी और क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पे आ जाएगा जो भी स्टेटमेंट रिटर्न होके आई है, राइट। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लगा लो, ये एस यहाँ पे आ गया है। ओके, और सम के अंदर क्या इनिशियलाइज हो गया है, एस की वैल्यू, जो भी एस के अंदर वैल्यू है, फाइन। एंड देन फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, प्रिंट स्टेटमेंट, सम ऑफ टू नंबर्स इज सम, फाइन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 110, समझ आ गया। एस रिटर्न होके आया किसके पास, कॉलर के पास। ओके, कॉलर के पास एस रिटर्न होके आया, तो जो ये कॉल स्टेटमेंट थी ये हट जाएगी, इसको ऑक्यूपाई कर लेगी रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू क्या है हमारी, एस, जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर है, और वो किसमें इनिशियलाइज हो जाएगी, सम वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी, फाइन। ओके, देखो, द रिटर्न स्टेटमेंट एंड्स अ फंक्शन एग्जीक्यूशन इवन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ द फंक्शन। तो ये क्या कह रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही आएगी वैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, चाहे वो फंक्शन मिडल में हो, उसके बाद कोई भी और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, राइट। इफ द कॉल्ड फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू हैज अ स्टेटमेंट लाइक वेरिएबल रिटर्न वेरिएबल वैल्यू एक्सप्रेशन रिटर्न एस रिटर्न 40 और रिटर्न ए प्लस बी एक्सेट्रा, देन द कंट्रोल विल जंप बैक टू द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन या वेरिएबल कुछ भी रिटर्न करता है, तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट पे चला जाता है, ठीक है। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आई, कंट्रोल कहाँ चला गया, फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट पे चला गया, एंड होल फंक्शन कॉल इज रिप्लेस्ड विद द रिटर्न वैल्यू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। और जो फंक्शन कॉल होती है वो हट जाती है, उसके प्लेस पर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है। ओके, द रिटर्न वैल्यू मस्ट बी यूज्ड एट द कॉलिंग प्लेस बाय स्टोर इट इन अ वेरिएबल। तो जो रिटर्न वैल्यू रिटर्न होके आती है, आप उसको कैसे यूज करोगे, आप या तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, या आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट में, प्रिंट फंक्शन में यूज कर लो, या आप उसको किसी एक्सप्रेशन में यूज कर लो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स को भी पास करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना कमेंट ले लेते हैं, वैल्यू बींग रिटर्नड कैन बी जो वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन वो क्या हो सकता है, कोई लिटरल हो सकता है, लिटरल मतलब कोई भी वैल्यू नंबर, ओके 5, 6, 7, 8 एनी नंबर, ओके कोई भी वेरिएबल हो सकता है, फाइन, और एन एक्सप्रेशन, राइट, या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। यहाँ पे मैं अपनी फंक्शन की डेफिनेशन देती हूँ, डेफ एड अंडरस्कोर नंबर, ओके, और इसमें हम पास कर लेंगे, इसमें हम क्या रिसीव कराएंगे, पैरामीटर्स रिसीव कराएंगे, ओके, एंड लेट अस सपोज जो मैं इसके अंदर पैरामीटर रिसीव कराऊंगी वो है ए एंड बी,
राइट, और मैंने यहाँ पे ले लिया ए प्लस बी, जो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, एस के अंदर, राइट, एस में स्टोर हो जाएगा, और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन रिटर्न कर देगा एस को, ओके, एस को रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, वेरिएबल, ओके, वेरिएबल बीइंग रिटर्न्ड, राइट, ये तो मेरा फंक्शन बन गया है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को वैल्यूज को एंटर कराना है, जो मैं फिर लेटर ऑन फंक्शन में पास कराऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया num1 इक्वल टू इंट इनपुट, राइट, और इसमें आप दे दो एंटर नंबर 1, फाइन, और हम ले लेते हैं num2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर 2, ओके, हमने वेरिएबल लिया सम इक्वल्स टू एड अंडरस्कोर नंबर्स फंक्शन, नंबर फंक्शन है हमारा, ओके, एस लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नंबर ही कर देते हैं, ओके, और ये इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी num1 num2, राइट, ओके, एंड देन प्रिंट करा दिया, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज sum of two numbers था, okay, now look, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपका जो इंटरप्रेटर है वो फर्स्ट आपके पास जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट पर, राइट, ओके, क्योंकि कैसे इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को, वन बाय वन फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, राइट, ओके, तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड को देखिए क्या करेगा, ये सिंपली हेडर को चेक करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर ये num1 के पास जाएगा, ओके, num1 के पास जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एंटर नंबर 1, आप नंबर 1 को एंटर कराओगे, फिर ये num2 वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, आप एंटर नंबर 2, आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा, आप नंबर 2 को एंटर कराओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी फंक्शन कॉल, यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया है और दो आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन कॉल के थ्रू पास किया है, num1 एंड num2, num1 कहाँ चला जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा, num2 कहाँ चला जाएगा, बी के अंदर चला जाएगा, ओके, ये क्या चले जाएंगे, फंक्शन हेडर में एज अ पैरामीटर रिसीव हो जाएंगे, फाइन, और जैसे ही फंक्शन कॉल आएगी फंक्शन इनवोक हो जाएगा और फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, राइट, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे ए प्लस बी एड होगा और आप उसके बाद क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से क्या होगा, एस रिटर्न हो जाएगा, एस कहाँ रिटर्न हो जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे, अब यहां से क्या होगा, ये एड फंक्शन जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है वो हट जाएगी, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी, राइट, और एस की वैल्यू किस में इनिशियलाइज हो जाएगी, सम के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी और आपने सम को प्रिंट करा दिया, ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ, सी, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, अब देखो आगे आपका एंटर नंबर 1, ओके, आपने इसको कर दिया 20, नेक्स्ट आपका आ गया एंटर नंबर 2, इसमें आपने करा दिया 50, ठीक है, ये देखो आपके पास आ गया 70, फाइन, ओके, पहले आपका आया एंटर नंबर 1, राइट, एंटर नंबर 1, देन एंटर नंबर 2, फिर आपकी फंक्शन कॉल हुई, फंक्शन कॉल होने पर आपका जो कंट्रोल था वो कहाँ चला गया, फंक्शन डेफिनेशन पे चला गया, ओके, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसने क्या रिटर्न किया, उसने वेरिएबल रिटर्न किया, वो वेरिएबल कहाँ पे जाके इनिशियलाइज हुआ, वो वेरिएबल यहाँ पे आ गया, ओके, इस स्टेटमेंट को हटा के अब क्या आ गया, जब रिटर्न स्टेटमेंट हुई तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू आ गई है एस की, जो कि इसमें चली गई है, सम में इनिशियलाइज हो गई है, फिर आपने सम को प्रिंट करा दिया है, फाइन, ओके, तो ये आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने देखा है कि कैसे एक फंक्शन के अंदर वैल्यूज रिटर्न भी कर रहे हो और आप आर्ग्यूमेंट्स को पास भी कर रहे हो, ओके, एक हमारा नेक्स्ट क्या था, अगर रिटर्न के बाद आप फंक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, तो क्या वो एग्जीक्यूट करेगी, जैसे मैं इसी को ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे इसको हटा देते हैं,
रिटर्न के बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट फंक्शन फिनिश। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? देखो आपके पास एंटर नंबर बना गया है, आपने 20 दे दिया, एंटर नंबर 2 30 दे दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया 50, राइट। तो यहाँ पे जो आपने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट दिया था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, रिटर्न कहाँ चला जाता है? कॉलर के पास चला जाता है, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास चला जाता है, यहाँ चला जाता है, फाइन। इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट उसके बाद नहीं करती, फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, फाइन। अब यहाँ पे मैंने क्या था, वेरिएबल को रिटर्न किया था, वेरिएबल की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, कंप्लीट एक्सप्रेशन को रिटर्न कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया, ओके, एंड सिंपल यहाँ पे कर दिया रिटर्न ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी कमेंट दे देते हैं, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग, एक्सप्रेशन में क्या है, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स बीइंग रिटर्न, ओके। तो कौन सा एक्सप्रेशन रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स है, लिटरल्स नहीं है, वेरिएबल्स है, ओके। बाकी का हमारा फंक्शन एज इट इज है, फाइन। यहाँ पे सिंपल क्या हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन ए प्लस बी रिटर्न हुआ है, जो कहाँ चला जाएगा, जो कॉलिंग स्टेटमेंट को ओवरलैप करेगा और कॉलिंग स्टेटमेंट की प्लेस पर आ जाएगा जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया आपका एंटर नंबर 1, आपने 20 दे दिया, एंटर नंबर 2 मैंने 50 दे दिया, तो मेरा रिजल्ट आ गया 70, फाइन। तो इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल आई हैव रिटर्न एक्सप्रेशन हियर, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन को रिटर्न किया, ओके। अब यहाँ पे देखो रिटर्न जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो रिटर्न वैल्यू होती है उसको आप यूज कर सकते हो, या तो आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो, जैसे हमने यहाँ पे करवाया है, उसको सम वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के साथ उसको यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर लिया, ओके। यहाँ पे मेरी प्रिंट स्टेटमेंट आ गई, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ यहाँ से, राइट। क्या किया मैंने, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, ओके। जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो कहाँ आ जाएगी, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को ओवरलैप कर देगी, मतलब उसके प्लेस पर ही आ जाएगी आपकी ए प्लस बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर लिया, इसको देखो एग्जीक्यूट करो, आ गया है, कोई चेंज नहीं। आपने यहाँ पे दे दिया नंबर 1 20, 40 नंबर 2 एंड दिस इज योर रिजल्ट 60, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है उसका यूज कर सकते हो, आप उसको किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज कर सकते हो, आप उसको प्रिंट फंक्शन में यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको किसी एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको चाहती हूँ, जो मेरी रिटर्न वैल्यू है उसको मैं किसी एक्सप्रेशन में यूज कर दूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेरिएबल ले लिया सम इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन कर दिया 2 into 2, जो भी रिटर्न वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। वो किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, और उसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट सम, राइट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो फर्स्ट नंबर आपका आ गया 30, सेकेंड आपने दे दिया 10, अब देखो अब वैसे आपके आना था 40, लेकिन क्या आया है 80, राइट। आपका रिजल्ट क्या आया है, 80 आया है, क्योंकि क्या हुआ, जो भी आपका आया था 40 जो आपका आया था वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट को आपने एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर लिया। तो रिटर्न स्टेटमेंट को आप किसी सम के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हो, प्रिंट स्टेट फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, या आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन में, ओके। तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, ओके।
सो द नेक्स्ट फंक्शन इज फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू. वो फंक्शन जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे लेकिन फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट. तो यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर फंक्शन की हेडर लाइन पे जाएगा, ओके, एंड फंक्शन की बॉडी को इग्नोर कर देगा, राइट. इसके बाद ये जाएगा रिजल्ट वाली लाइन पे. यहाँ पे हमने क्या दिया है, फंक्शन कॉल किया है और फंक्शन कॉल का रिजल्ट हमने, फंक्शन कॉल का जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन कॉल करने पर, वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, फाइन. तो देखो यहाँ पे हमने एड अंडरस्कोर नंबर्स को फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है. जैसे ही कॉल करेंगे कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इंटरप्रेटर का कंट्रोल चला जाता है, चला जाएगा फंक्शन पे, राइट. और फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा फिर, और फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, फाइन. तो यहाँ पे फिर क्या होगा, जैसे ही इन्वोक हुआ, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन इन्वोक हुआ, तो क्या होगा, आपके पास आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, राइट. ये आपका आउटपुट होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने एंटर कर दिया 30, ओके. देन आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ओके. आप इनपुट करा रहे हो यूजर से वैल्यू, एंटर सेकंड नंबर, आपका ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, एंटर सेकंड नंबर, ओके, 50, ओके. इंट फंक्शन आपको पता है, जो भी आप वैल्यू एंटर करते हो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन लेता है, बट आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी डेटा टाइप में. तो यहाँ पे हम इंट यूज कर रहे हैं, फाइन, ओके. अब आपने दो वैल्यूज दे दी 30 एंड 50, नम वन और नम टू की, और वो क्या होगा, उन दोनों का एडिशन होगा और वो सम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा. इसके बाद आपका एड अंडरस्कोर नंबर्स फंक्शन रिटर्न कर देगा सम की वैल्यू. जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगी तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, अगेन कहाँ पे चला जाएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट के पास. कॉलिंग स्टेटमेंट आपकी ये वाली है, तो यहाँ पे इसको क्या, इसको हटा के, कॉलिंग स्टेटमेंट को हटा के क्या आ जाएगा, सम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ओके. और सम की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद वो क्या होगा, रिजल्ट में वो इनिशियलाइज हो जाएगी, मतलब रिजल्ट में सम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फाइन. नेक्स्ट आपने क्या किया है, प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज रिजल्ट, तो आपका आ गया सम ऑफ टू नंबर्स इज 80, फाइन. इसको हम प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं, ओके. सो लेट अस स्टार्ट. डेफ कीवर्ड दिया है हमने, राइट, एंड फंक्शन नेम दे दिया, एड नंबर्स कॉलन, ओके. इसके अंदर हम दे देंगे नम वन इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर सेकेंड नम टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, ओके. आप दो नंबर एंटर करा लोगे, वो हमने क्या कर दिया, सम वेरिएबल दिया, उसमें ले लिया नम वन प्लस नम टू, राइट. एंड देन आपका फंक्शन रिटर्न कर देगा सम की वैल्यू, रिटर्न सम, फाइन, ओके. तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे रिजल्ट, ओके. हमने वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि फंक्शन कॉल जब होगा, ओके, तो फंक्शन जब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो कहाँ आके स्टोर होगी, वो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को हटा के रिटर्न वाली वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर होगी. तो वो रिटर्न वैल्यू हम क्या चाहते हैं, वो रिटर्न वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, फाइन. तो मैंने इसको क्या किया है, फंक्शन कॉल को इनिशियलाइज कर दिया है विद द वेरिएबल, ठीक है. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कैसे करना है, फाइन, ओके. नाउ प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स इज, और यहां पे हम दे देंगे रिजल्ट की वैल्यू, फाइन. इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ओके. अब प्रॉम्प्ट पे आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहां पे कर देती हूँ 30, लेट अस सपोज. एंटर सेकेंड नंबर, यहाँ पे अगेन मैं कर देती हूँ 30, राइट. ये आपका रिजल्ट आ गया, सम ऑफ टू नंबर इज 60. लुक एट दिस, आपका फर्स्ट आया एंटर फर्स्ट नंबर 30 आपने दे दिया, ओके. एंटर सेकेंड नंबर 30 दे दिया, एंड सम ऑफ टू नंबर 60, राइट.
इसका प्रोसेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। इंटरप्रेटर पहले फर्स्ट लाइन पे जाएगा, डेफ देखकर वो क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा। फिर वो क्या जाएगा, फंक्शन के बाद वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, तो इस पे जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया है इसलिए कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे चला जाएगा और फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास फर्स्ट आपका स्टेटमेंट आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर एंटर करा दिया, वो num1 वेरिएबल में चला गया। फिर आपके पास आएगा एंटर सेकेंड नंबर, जो num2 वेरिएबल में चला गया। फिर एड अंडरस्कोर नंबर, फंक्शन ने क्या किया, इन दोनों को एड करके सम वेरिएबल में क्या किया, उसको डाल दिया और फिर रिटर्न कर दिया सम। ओके, सम रिटर्न होके कहाँ आएगा, कॉलिंग स्टेटमेंट पे आएगा। अब यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन जो था, आप जो कॉलिंग फंक्शन स्टेटमेंट थी वो हट जाएगी और इस प्लेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, जो वैल्यू रिटर्न होके आई है। फाइन, तो यहाँ इसको ऑक्यूपाई कर लेगा सम, और वो सम की वैल्यू हमने किस में इनिशियलाइज कर दी, किस में डाल दी, रिजल्ट में, और हमने रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। ओके, तो ये आपने कौन सा फंक्शन किया है, जिसके अंदर आप कौन सा फंक्शन है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू। ओके ओके, नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वॉइड फंक्शन। राइट, जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसको बोलेंगे नॉन वॉइड फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता, कॉलर को कॉलिंग स्टेटमेंट के पास वैल्यू रिटर्न होके नहीं आती, तो वो फंक्शन होता है वॉइड फंक्शन। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, वॉइड फंक्शन करते हैं। वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं वॉइड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ वॉइड फंक्शन का, उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रही हूँ। के देखो, यहाँ पे जो मैं पहले मैं कमेंट दे रही हूँ, एवरी वॉइड फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू नन टू इट्स कॉलर। राइट, मैंने क्या बताया, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करते हैं उनको नॉन वॉइड फंक्शन कहते हैं, और जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते उनको वॉइड फंक्शन कहते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, एवरी वॉइड फंक्शन रिटर्न वैल्यू नन टू इट्स कॉलर, मतलब जितने भी वॉइड फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है, कॉलर को, ओके, वो क्या करते हैं, वो नन वैल्यू रिटर्न करते हैं। राइट, बट वो आपको दिखती नहीं है, कब तक नहीं दिखेगी, जब तक कि आप उसको प्रिंट नहीं कराओगे। फाइन, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ दिखाने के लिए कि जो भी वॉइड फंक्शन है, नॉन रिटर्निंग फंक्शन है, ओके, वो भी नन वैल्यू रिटर्न करते हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेफ, और ये मेरा फंक्शन का नाम है ग्रीट। ओके, राइट, मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, हेलो, फाइन, प्रिंट करा दिया हेलो, और आपने यहाँ पे ग्रीट को कॉल किया। अब मैंने सिंपल कॉल किया है, ठीक है, तो सिंपल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखो आपके पास रिजल्ट आ गया हेलो। फाइन, ग्रीट फंक्शन को कॉल किया और तो ग्रीट फंक्शन इन्वोक हुआ और हेलो आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर क्या स्टेटमेंट दी है, एवरी वॉइड फंक्शन ओके रिटर्न्स वैल्यू, ये क्या है, वॉइड फंक्शन है क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करता है, कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, नन रिटर्न करता है, कॉलर को। फाइन, तो आपको ये देखनी है कि कैसे, देखो मैं आप दिखाती हूँ, आपने क्या किया, यहाँ पे जो कॉल किया है फंक्शन को, उसको हमने कर दिया इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे वाई ले लिया वेरिएबल, और प्रिंट करा दिया वाई को। फाइन, तो अब देखो यहाँ पे मैं पहले दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे देखो ग्रीट क्या, ये आपने फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन कॉल करोगे तो ये इन्वोक होगा और क्या होगा, आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा, जो वॉइड फंक्शन है, ये नन वैल्यू रिटर्न करेगा कॉलर को, यहाँ पर नन वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नन ये जो आपका कॉलिंग स्टेटमेंट है ये हट जाएगा और नन इसके प्लेस पे आ जाएगा, और नन कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, वाई वेरिएबल में, और हमने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब मैं देखो इसका रिजल्ट दिखाती हूँ आपको, आप देखो, लुक एट द स्क्रीन, यहाँ पे देखो हेलो आया हुआ है बिकॉज आपका ये फंक्शन क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। ओके, एग्जीक्यूट हुआ, उसके एग्जीक्यूशन के बाद आपके इस फंक्शन ने क्या किया है, नन वैल्यू रिटर्न की है किसको, कॉलर को।
ओके तो नन वैल्यू को हमने वाई वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर वाई को प्रिंट करा दिया. तो यहाँ पे देखो एनओ एनी नन नन आया हुआ है, राइट. तो क्या है void फंक्शन, नन वैल्यू रिटर्न करता है कॉलर को. आप void फंक्शन में भी रिटर्न कीवर्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है. रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, नॉट कीवर्ड, रिटर्न स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो किसमें, void फंक्शन में भी. लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इसको एम्प्टी स्टेटमेंट, एज अ एम्प्टी स्टेटमेंट आप इसको यूज करोगे. फाइन, इसके साथ आप कोई भी वैल्यू या कोई भी एक्सप्रेशन यूज नहीं करोगे, ओके, ओनली रिटर्न. फाइन, अब यहाँ पे देखो मैंने रिटर्न लिखा है, ओके. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो कोई चेंज नहीं है, राइट. तो आप void फंक्शन में भी रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, बट क्या डिफरेंस है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी लिटरल रिटर्न नहीं होता, राइट, ओके. एंड रिटर्न जो आपका जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, वो नन वैल्यू रिटर्न करता है कॉलर को. कॉलर क्या होता है, जो आपका कॉलिंग स्टेटमेंट है उसको. फाइन, arguments and parameters in Python function and how many types of parameters can be received by a function. Okay, so let us start. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक function create करते हैं, okay. Def keyword आपने लिया, def stands for define, okay. यहाँ पे मैं लेती हूँ मेरे जो function का name है, that is interest, okay. और उसमें मैंने pass कर दिए theme वेरिएबल्स, ओके. मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को पास कर दिया है पीआरटी, राइट. नाउ एक वेरिएबल और लिया है मैंने एसआई, ओके, पी इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय 100, राइट. देन वी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ एसआई, राइट, ओके. तो आपने फंक्शन क्रिएट किया है, हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है इंटरेस्ट, राइट. अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स और लेती हूँ. प्रिंट मैंने वेरिएबल लिया और इसको वैल्यू दे दी 50,000, रेट 5% एंड टाइम 2 years, ओके. नाउ अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके. एंड फंक्शन कॉल को हमने किस में इनिशियलाइज कर दिया है, रिजल्ट वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया है. मतलब जो भी फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट वेरिएबल में. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, ओके. तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करना है आई एन टी ई आर ई एस टी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज को पास कर रहे हो. तो मैंने यहाँ पे प्रिंट रेट एंड टाइम की वैल्यूज को पास कर दिया. फाइन, उसके बाद आप प्रिंट फंक्शन का यूज करोगे, और मैं यहाँ पे दे देती हूँ सिंपल इंटरेस्ट इज, यहाँ पे हमारा आ जाएगा रिजल्ट, ओके. सिंपल इंटरेस्ट इज रिजल्ट, राइट. नाउ अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है. फाइन, तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज को पास कर रहे हो, राइट. और ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी, ये वैल्यूज जाएंगी फंक्शन हेडर के पास, और फंक्शन हेडर इसको रिसीव करेगा, ओके. तो क्या होता है, द वैल्यू बींग पास टू अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. जो वैल्यूज पास होती है किसके थ्रू, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से के थ्रू पास होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स. तो यहाँ पे जो प्रिंट रेट टाइम है, ये क्या है, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ओके. आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स को आप एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हो, या फिर एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हो, ओके. तो दीज आर योर आर्ग्यूमेंट्स, जो फंक्शन कॉल्स के थ्रू, फंक्शन कॉल के थ्रू आप जो वैल्यू पास करते हो, उनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर. फाइन, तो यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू जाएगी पी के पास, आर की वैल्यू जाएगी, रेट की वैल्यू जाएगी आर के पास, एंड टाइम की वैल्यू जाएगी टी के पास, ओके. अब क्या है, पी आर एंड टी ये वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं,
ओके तो क्या होता है, द वैल्यू रिसीव्ड इन फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन आर कॉल्ड पैरामीटर्स. तो यहाँ पे पीआरटी क्या है, पैरामीटर्स. ओके जो वैल्यू रिसीव करते हैं उनको पैरामीटर्स कहा जाता है, और जो वैल्यू क्या करते हैं, पास करते हैं, सेंड करते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है. तो यहाँ पे पीआरटी क्या है, पैरामीटर्स है. ओके और पैरामीटर्स कहाँ पे होते हैं, फंक्शन हेडर में होते हैं, और आप कह सकते हो फंक्शन डेफिनेशन में होते हैं. इसको आप फंक्शन हेडर बोल भी कह सकते हो और फंक्शन डेफिनेशन भी. ओके एंड पैरामीटर्स आर ऑल्सो नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स. पैरामीटर्स को हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं. ओके तो दीज आर पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज आर आर्ग्यूमेंट्स. ओके और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर, राइट. ओके नाउ आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लो अपने फंक्शन को. तो यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट आ गया 5000 इंटरेस्ट, राइट. ओके जो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल रेट एंड टाइम की वैल्यूज क्या की थी, यहाँ से पास की थी फंक्शन के पास. ओके यहाँ से वैल्यूज फंक्शन हेडर में गई, फंक्शन तो फंक्शन ने इसको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, राइट. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल की वैल्यू है 50,000 है, रेट की वैल्यू है आपकी 5 एंड टाइम की वैल्यू है 2, और इस आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 5,000. सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स. पाइथन 3 टाइप के पैरामीटर्स को सपोर्ट करता है, पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स. नाउ वी विल डू दीज 3 वन बाय वन. ओके फर्स्ट वी हैव पोजिशनल और रिक्वायर्ड arguments or mandatory arguments. Okay, positional arguments are arguments that are passed to a function in a correct positional order. तो positional arguments वो arguments होती है जिन्हें एक proper order में क्या किया जाता है, pass किया जाता है. Okay, the first parameter receives the value of the first argument. आपको ध्यान से order में arrange करके values को pass करना है, क्योंकि जो first parameter है वो first value को, first argument की value को receive करता है, second parameter second argument की value को receive करता है. ओके दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ओके सेकंड क्या है, द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल पैरामीटर्स. तो आप जो फंक्शन कॉल के थ्रू आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हो, वो उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितनी होनी चाहिए, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं. ओके तो ये इसलिए इसको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इसलिए कहा जाता है कि करेक्ट ऑर्डर में आप वैल्यूज भेजोगे, ठीक है. ओके एंड यू शुड सेंड द वैल्यू फॉर ऑल द पैरामीटर्स. आप जितने भी पैरामीटर्स है सबके लिए वैल्यूज को आपको क्या करना है, पास करना है, इसलिए इसको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है. व्हेन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मस्ट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग. जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से जो वैल्यूज पास की जा रही हैं, ओके उनका नंबर, नंबर ऑफ वैल्यूज एंड द ऑर्डर ऑफ वैल्यू मैच करता है आर्ग्यूमेंट्स का और पैरामीटर्स का, तो उसको क्या कहा जाता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मैचिंग. ओके इफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स डिफर्स देन द पाइथन विल रेज एन एरर. अगर आर्ग्यूमेंट्स आपने 2 सेंड किए हैं लेकिन पैरामीटर्स कितने हैं, 3 हैं, आपने वैल्यूज कितनी पास करी है, 2, और पैरामीटर्स क्या है, 3, तो क्या होगा, पाइथन क्या रेस करेगा, एरर को रेस करेगा. ओके इफ द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स डिफर देन रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी चेंज. और आपने अगर रॉन्ग ऑर्डर में वैल्यूज को पास किया है तो क्या होगा, रिजल्ट तो आ जाएगा बट क्या होगा, वो रॉन्ग रिजल्ट होगा, डिजायरेबल नहीं होगा, राइट. तो मैं इसको अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. ओके ओके तो ये हमारा प्रोग्राम अभी हमने बनाया था, राइट. अगर आप देखो यहाँ पे देखो, जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो पी में जाएगी, रेट की वैल्यू आर में जाएगी, और टी की वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, टाइम में जाएगी, राइट. अब देखो मैं आपको यहाँ पे शो करके भी दिखा देती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट से हम यहाँ पे शो करके दिखा देते हैं कि फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट एक पर एक ऑर्डर में ही वैल्यूज क्या होती है, पास होती है, राइट. तो प्रिंसिपल, राइट, आपका क्या है, पी, देन रेट, आर एन टाइम टी, राइट. ओके अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करती हूँ, देन यू विल गेट टू नो. इसको प्रिंट करते हैं हम लोग. तो देखो, लुक एट दिस, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, आपकी 50,000 है, राइट.
प्रिंसिपल की वैल्यू 50,000 है, यहाँ पे जो प्रिन आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू कहाँ गई है, पी के अंदर गई है. ओके, रेट की वैल्यू आपकी क्या है, 5 है. ओके, तो यहाँ पे जो रेट की वैल्यू है वो कहाँ गई है, आर में गई है. एंड देन टाइम की वैल्यू आपकी क्या है, 2, जो टी में गई है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, आप एक करेक्ट ऑर्डर में पास करोगे. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मीन्स इनका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. अगर आपने ऑर्डर रॉन्ग दिया है तो आपका रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा. ओके, अगर मैं देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दू, अगर मैं यहाँ पे पहले लिख दू रेट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दू प्रिंसिपल, तो यहाँ पे रेट की वैल्यू चली जाएगी पी के अंदर और प्रिंसिपल की वैल्यू चली जाएगी आर के अंदर. ओके, इसको देखो एग्जीक्यूट करते हैं. अब देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल की वैल्यू ये क्या शो कर रहा है, 5 कर रहा है. प्रिंसिपल की वैल्यू 5 कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रेट वाली वैल्यू थी वो कहाँ चली गई, प्रिंसिपल के अंदर चली गई. अब और रेट की वैल्यू क्या शो कर रहा है, 50,000 कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट आपने दिया है उसकी वैल्यू कहाँ चली गई, रेट में चली गई है. क्या ध्यान रखना है कि पोजिशनल, आपका पोजिशन, आपका ऑर्डर सही होना चाहिए. सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं उतने ही आपको आर्ग्यूमेंट सेंड करने हैं. अगर मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हटा देती हूँ तो क्या आएगी, एरर आ जाएगी. जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा. मैंने एक आर्ग्यूमेंट को हटा दिया, नाउ इट विल शो यू एरर. देखो यहाँ पे आपका एरर आ गया है. रखना है एक तो ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में आप वैल्यूज को पास करोगे और नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितने हैं उतने ही आप वैल्यूज को पास करोगे. ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे सही कर देते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं. यहाँ पे कर दो प्रिंसिपल, ओके, रेट एंड टाइम, राइट. अब इसको एग्जीक्यूट करा दो, अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट. दिस इज योर रिजल्ट. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के यहाँ पर आ गया है, राइट. 5,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. पाइथन अलाउज अस टू असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू अ फंक्शन पैरामीटर व्हिच इज यूजफुल इन अ केस मैचिंग आर्ग्यूमेंट इज नॉट पास इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. तो ये क्या कह रहा है कि आप जो फंक्शन पैरामीटर्स हैं, ओके, जो फंक्शंस के हेडर के अंदर पैरामीटर्स होते हैं उनको आप एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, राइट. और वो अगर आपको लगता है कोई वैल्यू रिपीटेड है, अगेन एंड अगेन वो सेम वैल्यू आती है, तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन पैरामीटर्स को एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो. द डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन. ओके, यहाँ पे देखो फंक्शन हेडर में, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है डेफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अंदर मैंने रेट को क्या दे दिया, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया 10%, मतलब 0.10, राइट. ओके, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द पैरामीटर रेट. इफ इन अ फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ रेट इज नॉट प्रोवाइडेड, फंक्शन विल फिल द मिसिंग वैल्यू फॉर रेट ओनली विद दिस वैल्यू. अगर आप रेट की अब वैल्यू यहाँ पे फंक्शन कॉल के थ्रू पास नहीं करते हो फंक्शन डेफिनेशन में, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है वो उसको यूज कर लेगा. ओके, द डिफॉल्ट वैल्यू असाइंड इन द फंक्शन हेडर आर कंसीडर ओनली इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. लेकिन अगर आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू पास करते हो रेट के लिए, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, वो यूज नहीं होगी. जो फंक्शन कॉल के थ्रू आएगी वैल्यू वो यूज होगी, ठीक है. ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगी. इन अ फंक्शन हेडर एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू अनलेस ऑल द पैरामीटर्स अपियरिंग ऑन इट्स राइट हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी जो वैल्यू है, ओके, वो डिफॉल्ट, कोई भी जो आपका पैरामीटर है, राइट, उसके पास डिफॉल्ट वैल्यू तब तक नहीं मानी जाएगी, राइट. मतलब कोई भी पैरामीटर के पास डिफॉल्ट वैल्यू तभी आ सकती है जब उसके राइट में जो पैरामीटर है उसके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू. जैसे यहाँ पे टाइम है, टाइम को अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहती हूँ तो मेरे तो ये तभी पॉसिबल है जब रेट के पास भी क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है, राइट. अगर यहाँ पे मैं टाइम को दे दूँ टाइम इक्वल्स टू 2, ओके, और रेट के पास कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, पैरामीटर्स को आप डिफॉल्ट वैल्यू तभी दे सकते हो जब उसके राइट में अगर कोई पैरामीटर है तो उसके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, राइट. अब ये जो दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक तो ये कि अगर आप क्या करते हो फंक्शन कॉल के थ्रू वैल्यू को पास करते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू वर्क नहीं करेगी, ओके, एंड दूसरा यहाँ पे कि आप कैसे डिफॉल्ट वैल्यू दोगे, ये हम प्रैक्टिकली करते हैं अभी. ओके, अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, टाइम को दे देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, हमने दे दिया 2 years. ओके, 2 years हमने डिफॉल्ट वैल्यू टाइम को दे दी है, तो अब यहाँ पे हमें टाइम
आपको देने की जरूरत नहीं है और यहाँ से भी आप टाइम को हटा सकते हो। फाइन, मैंने यहाँ पे 2 ईयर्स दे दिया है, राइट। अब इसको आप एग्जीक्यूट करो। अभी नाउ लुक एट द रिजल्ट हियर, आपके पास रिजल्ट आ गया है। ओके, सी आपका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से पास हुआ, ठीक है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से पास हुआ आपका 50,000 गया। ओके, रेट की वैल्यू आपने यहाँ से पास की 5, वो भी यहाँ पे पास होगी 5। अब टाइम आपने पास नहीं किया था, तो यहाँ पे जो टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू थी 2 ईयर्स, वो यहाँ पे टाइम ने ले लिया है 2 ईयर्स, देखो यहाँ पे ले लिया और आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया है। फाइन, अब देखो मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू पास करती हूँ टाइम, राइट, यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ओके, टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर्स और मैंने टाइम की वैल्यू को पास कर दिया। अब क्या होगा, अब डिफॉल्ट वैल्यू वर्क नहीं करेगी, ठीक है, अब डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी। अब जो वैल्यू आप पास करोगे वो वैल्यू आपकी यूज होगी। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो अब आप रिजल्ट में यहाँ पे देखो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 50,000 है जो आपने पास किया था यहाँ से। आपका रेट क्या है 5, ओके 5% एंड टाइम क्या है 3 ईयर्स। तो यहाँ पे देखो टाइम 3 ईयर्स यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 ईयर्स नहीं यूज नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप क्या करते हो वैल्यूज को पास करते हो, तो अगर जो भी पैरामीटर है डिफॉल्ट वैल्यू वाला, अगर उसकी उसके पास कॉल वैल्यू आ रही है, मतलब फंक्शन कॉल के थ्रू वैल्यू आ रही है, तो वो क्या करेगा, फंक्शन कॉल वाली वैल्यू को यहाँ पे यूज करेगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि डिफॉल्ट वैल्यू आप ऐसे दे सकते हो, राइट। सेकंड हमारा क्या था, अगर फंक्शन कॉल के थ्रू कोई वैल्यू आ रही है तो डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होगी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर आप, मैंने यहाँ पे रेट को भी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, मैंने रेट को डिफॉल्ट वैल्यू 5 दे दी और इसको यहाँ से हटा दिया, राइट, इसको मैंने दे दी 5 और इसको यहाँ से हटा दिया, राइट। नाउ अब यहाँ से सिर्फ मैं प्रिंसिपल की वैल्यूज को पास कर रही हूँ, फंक्शन कॉल में मैं सिर्फ प्रिंसिपल की वैल्यू को पास कर रही हूँ, फाइन, और टाइम को भी हम हटा देते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पे आप फंक्शन कॉल के थ्रू सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को सेंड कर रहे हो, आपने रेट की वैल्यू भी दे दी है 5% एंड टाइम आपने 2 ईयर्स दे दिया है, राइट। अब नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लुक एट द रिजल्ट, आपने प्रिंसिपल अमाउंट सेंड किया था 50,000, रेट की वैल्यू आपने 5 दी थी, ठीक है, पैरामीटर में आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी 5, तो डिफॉल्ट वैल्यू आ गई है, टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू 2 आ गई है, राइट, और आपका रिजल्ट आ गया 5,000। ओके, नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी रेट की वैल्यू तो 5 आए लेकिन टाइम में कोई वैल्यू मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रही हूँ, ओके, टाइम में मैं कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रही हूँ, टाइम को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, टाइम को मैंने दे दिया 2 ईयर्स और यहाँ से मैंने इसको पास कर दिया। अब क्या होगा, अब आएगा आपके पास एरर। क्यों एरर आएगा, क्योंकि क्या था हमारा रूल कि अगर आप किसी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो उसके राइट वाले पैरामीटर के पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, राइट। अगर टाइम के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती तो आप क्या कर सकते थे, रेट को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते थे। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा, फाइन, एरर आ गया है। ओके, क्यों आ गया है, क्योंकि मैंने क्या किया है, टाइम को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है। अगर आप किसी भी, अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो इसके जो राइट में है रेट एंड टाइम, उनके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, फाइन। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो एरर ना आए तो आप रेट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे टी पहले दे दो, ओके, एंड रेट आप बाद में दे दो, रेट को मैंने यहाँ पे दे दिया 5, राइट। तो अब अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, हम जो यहाँ पे रूल है कि अगर किसी भी पैरामीटर को आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हो तो उसके राइट वाली वैल्यू के पास क्या होनी चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रेट क्या है, लास्ट पैरामीटर है, ओके, तो इसकी राइट की वैल्यू का कोई इशू नहीं है, फाइन। लेकिन अगर आप टी को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो रेट में डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, और प्रिंसिपल अमाउंट को देना चाहते हो तो आपका टाइम एंड रेट में आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। ओके,
Next, we have keyword or named arguments. Python offers a way of writing function calls where you can write any argument in any order provided you name the argument. मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर argument आप send कर रहे हो, right? Okay? और आप क्या कर रहे हो, argument name plus values अगर आप send कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको order जो आपको maintain करना होता है कि particular order में आपको send करनी है value, तो आप उसको avoid कर सकते हो. ओके, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आर द नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स विद असाइंड वैल्यूज. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं विद द वैल्यूज. ओके, बीइंग पार्ट इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपने 2000 दिया, टाइम 2 दिया, रेट आपने 10% दिया, ऐसे ही आपने दिया. यहाँ पे टाइम पहले दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट उस टाइम के बाद दिया, रेट ऐसे दिया है. तो यहाँ पे देखो, जो प्रिंसिपल है वो क्या, आप उसके पास वैल्यू आएगी जो फर्स्ट आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है. ओके, उसमें प्रिंसिपल के पास 2000 जाएगा, टाइम के पास वैल्यू जाएगी 2 एंड रेट के पास जाएगी आपकी 0.10, राइट. तो यहाँ पे जो हम कीवर्ड और या नेम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, कि अगर हम ऑर्डर भूल जाते हैं कि किस ऑर्डर में वैल्यूज देनी है, राइट, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स को. तो नेम के साथ हमने वैल्यूज को क्या किया, पास किया, तो यहाँ तो क्या होगा, तो वेरिएबल्स का हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, पैरामीटर्स का ध्यान ही रखना पड़ेगा कि किस पैरामीटर में कौन सी वैल्यू सेंड करनी है. ओके, तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे पी ले लिया 50,000, राइट. यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड या नेम आर्ग्यूमेंट को यूज कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे लिया, पी की वैल्यू ले ली मैंने 50,000, राइट. टाइम की वैल्यू मैंने ले ली 5, ओके. एंड रेट की वैल्यू मैंने क्या ले ली है, 10 ले ली है, फाइन. यहां से हम हटा देते हैं इसके डिफॉल्ट वैल्यू. ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस. आपका रिजल्ट आ गया, प्रिंसिपल के पास आपकी 50,000 गई है, राइट. और आपके पास टाइम के पास आपका 5, जो टाइम है वो आपका गया है 5 इयर्स, और रेट आपके गया है 10%, राइट. ओके, अब देखो, अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज भी करती हूँ, ऑर्डर अगर चेंज भी होता है, मैंने यहाँ पे पहले दे दिया टाइम, मैंने यहाँ से हटा दिया टाइम को, सॉरी. ओके, टाइम मैंने पहले कर दिया, और मैंने उसके बाद कर दिया आपका प्रिंसिपल अमाउंट 50,000, उसके बाद मैंने रेट दे दिया, राइट. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑर्डर चेंज करने में, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो. तो देखो, टाइम की वैल्यू टाइम के अंदर गई है, टाइम के पास आपके पास 5 आया है, 5 इयर्स, और प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 50,000 आया है, एंड रेट आपके पास 10 आया है. तो अगर आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे टी की वैल्यू टी में गई है, पी की वैल्यू पी में गई है, एंड आर की वैल्यू आर में गई है. आप किसी भी ऑर्डर में दो, आपकी वैल्यूज क्या होगा, यहाँ पे उस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. अगर आप क्या यूज करते हो, आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हो. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ यूज कर सकती हूँ. पोजिशनल, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ हम यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल, इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू क्या दे रही हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू मैं दे रही हूँ रिक्वायर्ड, और यू कैन से पोजिशनल. तो मैंने यहाँ पे दे दी 50,000, ओके. ओके, टाइम की वैल्यू मैं कौन सी दे देती हूँ, टाइम की वैल्यू मैं दे देती हूँ कीवर्ड, राइट. कीवर्ड और यू कैन से आपकी जो आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है. तो मैं टी लिख देती हूँ यहाँ पे, टाइम की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 5. तो देखो, मेरा ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट जो 50,000 मैंने पास किया है, ये मेरा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, फाइन. और यू कैन से रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है. सेकंड मैंने क्या दिया है, सेकंड मैंने दिया है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ओके. और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं रेट की डिफॉल्ट वैल्यू दे देती हूँ. रेट की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी यहाँ पे 10, ओके. रेट की मैंने क्या दे दी, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, ओके. तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं. ये आपका आ गया रिजल्ट, फाइन. 50,000 आपकी क्या थी, आपकी
पोजिशनल वैल्यू थी, राइट, एंड आपकी टाइम की वैल्यू आपने 5 दिया था, टाइम आपका क्या था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट था, और रेट आपका क्या था, डिफॉल्ट 10, राइट. तो आपने एक प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, तीनों टाइप्स के वैल्यूज को यूज किया है. ओके, तो जब आप यूज करते हो तीनों वैल्यूज को, ओके, थ्री टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को, तो इसका क्या ये रूल होता है, इसका ये रूल होता है कि जब आप यहाँ पे एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन्स द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. अगर आप तीनों टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर रहे हो तो फंक्शन कॉल के अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, फॉलोड बाय द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपकी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, और जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वो आपकी क्या हो सकती है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जो यहाँ पे हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ली है. और आपको ये ध्यान रखना है, जब आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ले रहे हो तो जो आप उसका वेरिएबल नेम ले रहे हो वो आपका पैरामीटर का वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए. यहाँ पे देखो मैंने टी टी लिया है, ठीक है. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, मीन्स यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो आप बना रहे हो, ओके, उसका जो नेम है वो आपको क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, आप उसको यहाँ से ले रहे हो, फाइन, ओके. और यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस. ऐसा नहीं है कि आप एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू एक से ज्यादा बार स्पेसिफाई करोगे, एक आर्ग्यूमेंट को आप एक ही बार स्पेसिफाई करोगे. तो मैंने यहाँ पे देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे फर्स्ट हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, सेकेंड हमारा क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, और रेट हमारा यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. ओके, सो हियर वी हैव डन हाउ वी कैन पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. A function can return multiple values in Python. Unlike other programming languages, Python lets you return more than one value from a function. तो Python में क्या है? Function एक से ज़्यादा values को भी return कर सकता है. Okay? The return statement inside a function body should be of the form given below. तो return जो statement है function की body में, okay? वो अगर multiple values return कर रही है, तो कैसे करेगी? Like value one या variable one या एक्सप्रेशन 1, कॉमा वैल्यू 2, कॉमा वैल्यू 3, लाइक दिस. ओके, तो दीज वैल्यूज आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ओके, द मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज मस्ट बी आइदर स्टोर्ड इन टपल. तो देखो ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, ओके, तो उसको कॉलर, ठीक है, वो फंक्शन जो क्या कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसको कॉलर फंक्शन हम बोलते हैं. कॉलर फंक्शन उसको कैसे रिसीव करेगा, एज अ टपल रिसीव करेगा. और वी कैन अनपैक द रिसीव्ड वैल्यूज बाय स्पेसिफाइंग द सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फंक्शन कॉल. या तो आप उसको एज अ टपल, जो भी वैल्यूज रिटर्न हो रही है फंक्शन से, ठीक है, वो या तो एज अ टपल आप उसको स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप उन मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल सेम नंबर ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं. ओके, इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ओके, तो हमारी यहाँ पे हेडिंग हम ले लेते हैं मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज स्टोर्ड इन टपल, राइट, डेफ कीवर्ड. ओके, डेफ कीवर्ड आपने यूज किया है, डेफ मींस डिफाइन. आप फंक्शन का नेम ले लो कैलकुलेट, राइट, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स पास कर देती हूँ, ए बी, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी. ओके, ए माइनस बी, फाइन, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, एंड ए मॉड्यूलस बी, राइट. तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है कैलकुलेट नेम से. ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमने क्या किया है, ए और बी की वैल्यू हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट करा लेते हैं. तो हमने इन फंक्शन का यूज किया, इनपुट, इनपुट में आपने प्रॉम्प्ट दे दिया एंटर नंबर 1. ओके, एंटर नंबर 1, नेक्स्ट आप इनपुट करा लो एंट इनपुट. ओके, एंटर नंबर 2, राइट,
ओके आपको पता है इनपुट फंक्शन की हेल्प से आप यूजर से इनपुट कराओगे वैल्यू को, ओके और वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में बाय यूजिंग द इंट फंक्शन। ओके अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट राइट, और फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पर कैलकुलेट, और कैलकुलेट में हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे नम वन एंड नम टू। जो भी आप वैल्यूज नम वन एंड नम टू में दोगे ओके तो वो कहाँ चली जाएंगी, ए और बी में चली जाएंगी। ओके जब आप यहाँ पे क्या हो रहा है फंक्शन कॉल हो रहा है तो नम वन की वैल्यू ए में चली जाएगी, नम टू की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बी में चली जाएगी। फाइन ओके अब हम क्या करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं प्रिंट। अब देखो यहाँ पे जो ये आएगा a प्लस बी कोमा a माइनस बी, ये क्या है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। ओके तो जब ये रिटर्न होंगी ओके तो ये किस फॉर्म में यहाँ पे रिसीव होंगी, ये टपल की फॉर्म में रिसीव होंगी जो रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगी। फाइन तो मैं यहाँ पे रिजल्ट को शो कर देती हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू ले लो ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया अपना वेरिएबल रिजल्ट। ओके एंड आप देखना चाहते हो कि वैल्यूज किस डेटा टाइप की हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टेटमेंट टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे टाइप ओके एंड टाइप फंक्शन में आप रिजल्ट वेरिएबल को पास कर देंगे। फाइन राइट ओके अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वैल्यूज क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, दीज आर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। जब फंक्शन कॉल होगा राइट तो क्या होगा, आपका ये जो डेफ कैलकुलेट जो कैलकुलेट फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा वैल्यू रिटर्न होगी, ये वैल्यू किस रिटर्न होके कहाँ आएंगी, ये फंक्शन कॉल को ओवरराइड कर देंगी, मतलब फंक्शन कॉल यहाँ से हट जाएगी और ये वैल्यू इसके प्लेस पे आ जाएगी, ये वैल्यू जो भी और ये कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं ओके तो ये कैसे रिसीव होंगी, एज अ टपल रिसीव होंगी राइट, और ये रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगी। ओके अब यहाँ पे आपने रिजल्ट को क्या किया है, प्रिंट करा दिया है और आपने रिजल्ट का डेटा टाइप भी प्रिंट करा दिया है। ओके नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस। ओके अब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया एंटर नंबर वन, तो हम यहाँ पे नंबर वन एंटर कर देते हैं, लेट अस सपोज मैंने कर दिया 10 राइट, एंटर नंबर टू दैट दिस इज 2, एंटर नंबर टू 2। ओके अब देखो ये आपका रिजल्ट आ गया है, फर्स्ट में आपका एडिशन होके आ गया है 12 ओके देन सब्ट्रैक्शन 8 देन क्या हुआ a इंटू बी 20 आ गया है, a डिवाइडेड बाय b 5 आ गया है एंड a मॉड्यूलस b डेट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 आ गया है। ओके तो ये देखो किस फॉर्म में आया, रिजल्ट टप्पल की फॉर्म में आया है ओके, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज विच आर इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस राइट। अब आपने नीचे क्या दिया था, टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू, तो टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आया हुआ है क्लास टप्पल राइट। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टपल टप वेरिएबल में स्टोर ना करके सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ मल्टीपल रिटर्न वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल्स वेरिएबल्स राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आएगा रिजल्ट फंक्शन कॉल का रिजल्ट आएगा उसको हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एड सब्ट्रैक्शन ओके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मोड राइट ओके। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं सम ऑफ गिवन नंबर्स ओके एंड यहाँ पे आप दे दो एड वेरिएबल सम, जो a प्लस बी वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एड वेरिएबल में a माइनस बी सब में ओके a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में a डिवाइडेड बाय b डिव वेरिएबल में एंड a मॉड्यूलस b मोड वेरिएबल में ओके तो अब हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट सम, इसको हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं इस लाइन को
to C, right? Control V. अब यहाँ पे सम की जगह हम कर देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर्स, सब ओके. एंड नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स मल्टीप्लिकेशन. ओके देन हम यहां पे डिवीजन कर देंगे. डिवीजन ऑफ गिवन नंबर्स डिव एंड लास्ट आपका हो गया मॉड्यूलो ऑफ गिवन नंबर्स मोड. फाइन. तो जो वैल्यूज आएंगी कोमा सेपरेटेड वैल्यूज आएंगी उसको हम क्या करेंगे अलग अलग वेरिएबल्स में यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया है और उसके बाद उन वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया है. राइट. सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस. देखो फर्स्ट नंबर ये पूछा है फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट लेटर सपोज मेरा 4 है. सेकंड नंबर फिट मैं 2 ले लेती हूँ. अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट आ गया है अलग अलग वेरिएबल्स में सम ऑफ गिवन नंबर 6 राइट. सब्ट्रैक्शन सी दिस सम ऑफ गिवन नंबर 6 सब्ट्रैक्शन ऑफ गिवन नंबर 2 4 माइनस 2 ओके. देन प्रोडक्ट आपका 8 आ गया. डिविजन आपका आ गया 2 राइट. डिवीजन क्या कोशेंट है ओके. एंड मॉड्यूलस क्या होता है आपका रिमाइंडर वो आपका 0 आया है और यहाँ पे क्लास आ गई है टपल. फाइन. तो जब आपका फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है ओके किसी भी प्रोग्राम में आपका फंक्शन जब मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है तो या तो आप उसको टपल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं ओके राइट. इन द फॉर्म ऑफ टपल यू कैन स्टोर ऑल द वैल्यूज इन वन वेरिएबल. आप एक ही वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टपल या फिर आप क्या कर सकते हो जो भी आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही है उनको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में आप इनिशियलाइज कर सकते हो. राइट. सो इन दिस वे अ फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज इन पाइथन. What is the flow of execution in a Python program? एक Python program कैसे execute होता है उसमें statements किस order में execute होती है okay? The flow of execution refers to the order in which statements are executed during a program run. तो flow of execution क्या है ये आपको बताता है कि किस order में एक particular program में statements क्या होंगी execute होंगी right? Sequential होंगी ये sequential नहीं होंगी तो ये आपको क्या बताता है ये आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताता है ओके. अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे ओके. तो हमने यहाँ पे क्या किया है एक पाइथन प्रोग्राम बनाया है. फर्स्ट आपकी लाइन है प्रोग्राम टू एड टू नंबर्स राइट. फर्स्ट आपकी लाइन है कमेंट ओके. तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा फर्स्ट लाइन को इग्नोर कर देगा क्योंकि वो क्या है कमेंट है ओके. देन इट विल गो टू द सेकंड लाइन. देखो मैंने यहाँ पे फ्लो जैसे जैसे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी उसकी यहाँ पे नीचे टेबल बनी हुई है ओके. तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो आपकी है सेकेंड स्टेटमेंट राइट. आपकी नंबर 2 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. आपका इंटरप्रेटर सेकंड लाइन पे जाएगा और चेक करेगा यहाँ पे वो क्या देखेगा दिस इज फंक्शन हेडर. ये क्या है फंक्शन हेडर है. इसको चेक करने के बाद क्या होगा फंक्शन बॉडी को वो इग्नोर कर देगा राइट. फंक्शन हेडर पे जाएगा हेडर वाली लाइन चेक होगी और उसके बाद क्या होगा फंक्शन की बॉडी इग्नोर हो जाएगी राइट ओके. 3, 4 स्किप हो जाएगा एंड 5, 5 क्या है हमारी एम्प्टी लाइन. ये भी क्या हो जाएगी स्किप हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी कमांड नहीं है राइट. नेक्स्ट आपका क्या है जो एग्जीक्यूट होगी कमांड या स्टेटमेंट वो क्या है आपकी 6 राइट. आपकी 6 नंबर की लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी. 6 नंबर में यहाँ पर है इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर. देन आपकी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी नंबर 7 मतलब 7 वाली जो लाइन नंबर 7 है वो एग्जीक्यूट होगी. आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर ओके. आपके पास प्रॉम्प्ट आ गया एंटर सेकंड नंबर. आपने फर्स्ट नंबर दे दिया सेकंड नंबर दे दिया
राइट नाउ अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 8 पे जाएगा. ओके, लाइन नंबर 8 पे क्या है, यहाँ पे है फंक्शन कॉल. राइट, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है. ओके, जैसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन हेडर पर. ओके, ये आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है. जैसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी, वैसे ही कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन हेडर पर. राइट, तो फंक्शन कॉल स्टेट, जो फंक्शन कॉल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर. और जिसको कॉल किया जाता है उस फंक्शन को कहा जाता है कॉल्ड. तो ये वाला डेफ अंडरस्कोर नंबर्स क्या है, हमारा कॉल्ड फंक्शन है. और यहाँ पे ये क्या है, कॉलर फंक्शन, जो उसको कॉल कर रहा है. ओके, अब हमने फंक्शन कॉल दिया है, यहाँ पे फंक्शन कॉल के थ्रू आपने टू आर्ग्यूमेंट्स को पास भी किया है, नम वन एंड नम टू. नम वन चली जाएगी ए में एंड नम टू चली जाएगी आपकी बी में. राइट, तो आपका देखो ए लाइन 8 एग्जीक्यूट हुई, और 8 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ चला गया, लाइन नंबर 2 पे चला गया, लाइन नंबर 2 पे चला गया. और जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, फंक्शन इन्वोक होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट करता है. राइट, ओके, तो सेकेंड लाइन के बाद क्या होगा, इसकी बॉडी में एंटर करेगा, फंक्शन की बॉडी में लाइन नंबर 3 पर. तो क्या होगा, ए प्लस बी का सम होगा. आपने ए 2 दिया था एंड ये आपने बी 5 दिया था. राइट, तो जो आपका सम है 7, ओके, वो वेरिएबल सम में चला जाएगा. ओके, देन आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करेगी, आपकी एग्जीक्यूट करेगी लाइन नंबर 4. राइट, इसमें आपने यहाँ पे फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया सम. ओके, सम रिटर्न होके कहाँ जाएगा, सम रिटर्न होके जाएगा रिजल्ट वेरिएबल के अंदर. ओके, सम जो वैल्यू है, राइट, वो रिटर्न होके कहाँ जाएगी, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जाएगी. क्योंकि क्या होता है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट क्या होती है, हट जाती है, उसके प्लेस पे रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है. तो यहाँ पे आपका सम आ जाएगा. ठीक है, फंक्शन कॉल का काम हो चुका है, ये हट गई है, इसके प्लेस पर अब क्या आ जाएगा, सम, SUM सम, मतलब जो फंक्शन ने रिटर्न किया वैल्यू, और वो हमने किसमें इनिशियलाइज कर दिया, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर. ओके, तो आपका एग्जीक्यूशन क्या हुआ, 2, 3, 4, 2, 3, 4, और 4 के बाद आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, 8 पर. ओके, 8, राइट. ओके, अब नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है वो कौन सी है, 9. इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जो एग्जीक्यूट होगी वो है 9. सम ऑफ टू नंबर्स इज रिजल्ट. तो आपके पास रिजल्ट आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 7, 9. अंडरस्टूड? ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं. ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल. राइट, अब देखो ये आपका जो इंटरप्रेटर है वो सबसे पहले फर्स्ट लाइन के पास जाएगा. राइट, उसको चेक करेगा. तो हमारी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इंटरप्रेटर को पता चलेगा ये क्या है, ये है फंक्शन हेडर. राइट, तो क्या होगा, वो बॉडी को स्किप कर देगा, क्योंकि फंक्शन की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक कि कोई उसे कॉल ना करे, फंक्शन को कॉल ना करे. राइट, अब क्या होगा, 2, 3 एंड 4 ये लाइंस क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी. ओके, क्योंकि 4 क्या है, एम्प्टी लाइन है. फिर फंक्शन का, फिर जो कंट्रोल है वो कहां जाएगा, इंटरप्रेटर कहां जाएगा, लाइन 5 पे जाएगा. राइट, इसको चेक करेगा, लाइन 5 को चेक करेगा, ये भी क्या है, फंक्शन हेडर है. राइट, इसको चेक करने के बाद वो क्या स्किप कर देगा, फंक्शन की बॉडी स्किप कर देगा, 6, 7 एंड 8 ये लाइन स्किप हो जाएंगी. राइट, नाउ द कंट्रोल विल गो टू लाइन नंबर 9. अब कहाँ जाएगा कंट्रोल, 9 पे जाएगा. ओके, यहाँ पे क्या है, ये एग्जीक्यूट होगी, वेरिएबल एन को मिलेगी वैल्यू 5. राइट, वेरिएबल एन इज इनिशियलाइज विद द वैल्यू 5. ओके, नेक्स्ट कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, 10 होगी. 10 में क्या है, फंक्शन कॉल है यहाँ पर. ओके, यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल किया गया है, कैल्क स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया है. राइट, कैल्क स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया है, और वैल्यू पास की गई है यहाँ पर एन की, जो है 5. राइट, जैसे ही कैल स्क्वायर फंक्शन को कॉल करोगे, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैल स्क्वायर फंक्शन के पास चला जाएगा. राइट, और यहाँ पे वैल्यू भी पास हो जाएगी, एन की वैल्यू ए में चली जाएगी, डेट इज 5. ओके, अब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देखो 10 के बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 5. ओके, देन नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट होगी आपकी, 6 स्टेटमेंट. राइट, अब देखो 6 में क्या है, 6 में पावर फंक्शन को कॉल किया हुआ है. राइट, 6 में किसको कॉल किया हुआ है, यहाँ पर पावर फंक्शन को कॉल किया हुआ है. ओके, एंड वैल्यू भी पास की हुई है, पावर फंक्शन को कॉल भी किया हुआ है और वैल्यू भी पास की हुई है. ओके, तो अब क्या होगा, अब कंट्रोल लाइन 6 से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा लाइन 1 में.
ठीक है, लाइन वन में कंट्रोल चला जाएगा क्योंकि लाइन सिक्स में फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब ए की वैल्यू चली जाएगी बी में, ठीक है, और टू कहाँ चला जाएगा, पी के अंदर। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, फाइव है, ओके, एंड पी में क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू टू आ जाएगी। ओके, लाइन वन एग्जीक्यूट होगी, फिर लाइन टू एग्जीक्यूट होगी, लाइन टू एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे क्या है, बी इंटू इंटू पी, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है, फाइव रेस टू पार टू, ओके, फाइव रेस टू पार आपका क्या हो जाएगा, टू, राइट। तो आपका ये रिजल्ट आ गया 25, ओके, ये रिजल्ट 25 आ गया, ओके। वो कहां पे, अब आपकी लाइन थ्री एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न आर, ओके, टू एग्जीक्यूट, देखो टू एग्जीक्यूट होगी हमारी, फिर हमारी थ्री एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पे, ओके, थ्री एग्जीक्यूट होके आर कहां जाएगा, आर चला जाएगा ए के अंदर, ओके। अब आर, क्योंकि ये जो आपकी कॉल स्टेटमेंट है अब ये हट जाएगी, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, फाइन। और आर की वैल्यू हमने किस में इनिशियलाइज कर दिया, ए में, ओके। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट सिक्स एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। अब स्टेटमेंट सेवन एग्जीक्यूट होगी, सेवन में क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू, मतलब सेवन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 25 है, क्योंकि ओके, क्योंकि आर की वैल्यू 25 थी, आर को हमने ए वेरिएबल में इनिशियलाइज किया है, ओके। अब देखो आपका ये स्टेटमेंट सेवन एग्जीक्यूट हुआ, अब स्टेटमेंट सेवन एग्जीक्यूट होगा, ये वैल्यू रिटर्न होके ए की कहाँ जाएगी, ये वैल्यू रिटर्न होके आपकी पास जाएगी लाइन नंबर 10 पर, क्योंकि लाइन नंबर 10 से आपका कैल स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया गया था, राइट, ओके। तो अब ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हट जाएगी, इसके प्लेस पे आ जाएगा ए, राइट। और ए की वैल्यू आपने किसमें इनिशियलाइज किया, रिजल्ट में, राइट। तो आपका 10 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, 11, तो आपका रिजल्ट वाला, और आपका रिजल्ट यहाँ पे आ भी गया है 25, अंडरस्टूड, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे, डेफ इंक्रीमेंट, ये फंक्शन हेडर है, ओके, दिस इज योर फंक्शन हेडर। तो आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपका, आपकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, ओके। अब ये फंक्शन हेडर है तो ये क्या होगा, फंक्शन की बॉडी स्किप हो जाएगी टू, अब जो आपकी लाइन नंबर टू है वो नहीं एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर थ्री आपकी क्या है, आपकी एम्प्टी लाइन है, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर फोर भी इग्नोर हो जाएगी क्योंकि लाइन नंबर फोर क्या है, कमेंट है। तो अब आपकी जो लाइन, जो लाइन एग्जीक्यूट होगी, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो क्या होगी, लाइन नंबर फाइव, ओके, लाइन नंबर फाइव आपकी एग्जीक्यूट होगी। उसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल को वैल्यू दिए थ्री, राइट, देन आपकी लाइन नंबर सिक्स एग्जीक्यूट होगी, आपने प्रिंट करा दिया एक्स को, ओके, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे आपका देखो आंसर आ गया थ्री, ओके, देन सिक्स एग्जीक्यूट होगी। अब आपकी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी सेवन, सेवन में क्या है, फंक्शन, आपकी फंक्शन कॉल है, इंक्रीमेंट फंक्शन को आपने कॉल किया है, तो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया है और आप वैल्यू भी पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने, यहाँ जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ वैसे ही कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, वन पर, कंट्रोल वन पे चला गया, ओके, और वैल्यू भी पास हो गई, आपकी थ्री वैल्यू चली गई यहाँ पे एक्स में, ओके, ये थ्री आ गई, राइट। फंक्शन कॉल हुआ, ओके, तो फंक्शन इन्वोक होगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, एग्जीक्यूट टू, तो आपकी यहाँ पे टू जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। लाइन टू में आपने क्या किया है, आपने एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है, तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपकी फोर आ गई, राइट, आपकी फोर वैल्यू आ गई। बट देखो इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, रिटर्न नहीं की है, तो क्या है, कंट्रोल पास नहीं होगा, राइट। फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद अब क्या होगा, अब डायरेक्टली आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर एट पे चला जाएगा। अगर ये रिटर्न करता वैल्यू तो यहाँ पे लाइन नंबर सेवन पे जाता, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे जाती रिटर्न वैल्यू, बट यहाँ इस फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है, तो ये फंक्शन यहीं पे एंड हो गया, ओके। और जब ये एंड हो गया तो देखो सेवन लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन एग्जीक्यूट होके एंड हो गया है, तो सेवन के बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी वो क्या है, लाइन नंबर एट, तो आपकी लाइन नंबर एट प्रिंट हो गई, तो आपका अगेन प्रिंट एक्स क्या आ गया, थ्री। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे थ्री ही आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हुआ था वो रिटर्न होके नहीं आया है,
ठीक है, जो 4 आपकी वैल्यू आई थी वो कहीं पर भी रिटर्न नहीं हो रही है, तो जो आपकी आपने लाइन नंबर 5 में x को वैल्यू दी थी 3, वही कॉन्टिन्यूएशन में आके यहाँ पे क्या होगी 3। अंडरस्टूड? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा। फर्स्ट लाइन में चेक करेगा क्या है, फंक्शन है, फंक्शन हेडर है। ओके, आपकी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद आपकी लाइन नंबर 2, 3 क्या होगी, स्किप हो जाएगी फंक्शन की बॉडी। फिर लाइन नंबर 4 स्किप हो जाएगी क्योंकि वो क्या है, एम्प्टी लाइन है। ओके, देन आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 5 पे जाएगा और लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे चेक होगा कि ये क्या है, ये है फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर है तो क्या होगा, लाइन नंबर 6 और 7 क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, राइट। ओके, एंड लाइन नंबर 8 इसलिए स्किप हो जाएगी क्योंकि वो एम्प्टी लाइन है, राइट। देन आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 9 पर। 9 में आपने क्या किया, एक वेरिएबल n को वैल्यू दी है 5। ओके, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है विद द वैल्यू 5, राइट। देन आपकी कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 10 पर जाएगा। ओके, लाइन नंबर 10 में आपने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है कैल स्क्वायर प्लस पावर फंक्शन को भी कॉल किया है। तो पहले आपने कैल स्क्वायर को कॉल किया है, तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैल स्क्वायर के पास चला जाएगा और वैल्यू भी चली जाएगी n की। n की वैल्यू कहाँ जाएगी, x में, दैट इज 5। ओके ओके, देखो अब आपका कंट्रोल 5 पे चला गया है। अब नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो 6 होगी, राइट। 6 स्टेटमेंट, 6 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे 6 नंबर की लाइन में आपने अगेन क्या कर दिया, पावर फंक्शन को कॉल कर दिया। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लाइन नंबर 1 पे चला जाएगा। लाइन नंबर 1 पे चला गया आपका कंट्रोल। ओके, और वैल्यूज भी चली जाएगी, एक्स की वैल्यू चली जाएगी बी में। तो एक्स की वैल्यू हमने 5 दी है, वो कहाँ चली जाएगी, बी में, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू बी में एंड 2 कहाँ चला जाएगा, आपका पी में। ओके, अब क्या होगा, फंक्शन कॉल हुआ है तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, तो आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2। आपकी लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगी, तो b इंटू इंटू पी मीन्स b रेस टू पार 2। तो यहाँ पे 5 रेस टू पार, ओके, आपकी 5 रेस टू पार क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, राइट। आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आंसर आ जाएगा। ओके, 25 आंसर आ जाएगा। तो आपकी नेक्स्ट लाइन क्या एग्जीक्यूट करेगी, लाइन नंबर 3। ओके, ये आपकी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगी, और ये जो y है वो फिर कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा a के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलिंग स्टेटमेंट है वो हट जाएगी, इसके प्लेस पे y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसकी प्लेस पे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ओके, राइट। और y की वैल्यू किस पे इनिशियलाइज हो जाएगी, a में। अब a की वैल्यू क्या है, 25 है, राइट। तो ये आपका 6 एग्जीक्यूट हो गया, 6 एग्जीक्यूट हो गया, तो अब आपका 7 एग्जीक्यूट होगा, a की वैल्यू रिटर्न होगी। ओके, तो आपकी 25 रिटर्न होगी, यहाँ पे 7 एग्जीक्यूट हो गया, a की वैल्यू रिटर्न होगी, कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपका आ गया 25, राइट। ओके, अब देखो, अब आपने कॉल किया है पावर फंक्शन को, यहाँ पर पावर फंक्शन को कॉल किया है, उसको 2 वैल्यू दिए, 3 और 3। तो पावर फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो क्या होगा, अगेन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, 1 पर। यहाँ पे हमारी 10 पे आ गया था रिजल्ट। ओके, अब अगेन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, 1 पर। 1 पे चला जाएगा, बी की वैल्यू 3 हो गई। ओके, बी की वैल्यू अब आपके पास 3 हो गई एंड पी की वैल्यू भी 3 हो गई। ओके, बी में भी, आपके बी में भी क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। ओके, एंड पी में भी 3 आ गया। ओके, तो अब देखो, अब क्या होगा, 3 रेस टू पार 3। ओके, 3 रेस टू पार 3, इसमें ये ढंग से चल नहीं रहा है, 3 सर्कुलर ब्रैकेट नहीं बन पा रहे। ओके, 3 रेस टू पार 3 मीन्स 3 × 3 × 3, राइट। क्या होगा, 3 × 3 × 3, राइट। ओके, बिकॉज 3 रेस टू पार 3 हो गया ना, 3 × 3 × 3, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, कंट्रोल 1 पे चला गया था, यहाँ पे 3 की वैल्यू चली गई थी बी में, पी में भी 3 की वैल्यू चली गई थी। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, लाइन नंबर 2,
ठीक है, जिसमें आपका क्या हुआ 3 raised to power 3, ओके, और रिजल्ट आ गया 27। अब आपने आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, 3 आपकी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे 3 एग्जीक्यूट हुई तो आपकी वैल्यू रिटर्न हुई y की वैल्यू कितनी हुई, 27 हमारी निकल के आ गई है y की वैल्यू। अब कहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा, आप चला जाएगा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास 10 पे, ठीक है, यहाँ पे 10 पे आ गया, उसने वैल्यू रिटर्न कर दी 27, ठीक है, 20 सॉरी ये ढंग से पेन वर्क नहीं कर रहा, 27, ठीक है, समझ आ गया, ये आपकी कैल की 25 आ गई और इसकी आपकी 27 आ गई, ओके, उल्टा 7 आ रहा है, 27 आ गई, राइट। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 25 प्लस 27, ओके 52, ओके। नेक्स्ट आपका आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी 11, राइट, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 52, 25 प्लस 27, ओके 52 आपका रिजल्ट आ गया। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्राम मींस एक पाइथन प्रोग्राम में वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, एक वेरिएबल का क्या स्कोप होगा। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल कैन बी डिफाइंड एज द स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। प्रोग्राम का वो पार्ट जहाँ पे आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, वेरिएबल को यूज कर सकते हो, वो क्या होता है, वो उस वेरिएबल का स्कोप होता है, ओके। अ वेरिएबल कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्कोप्स, तो वेरिएबल के इनमें से कोई भी एक स्कोप हो सकता है, ग्लोबल स्कोप हो सकता है वेरिएबल का या लोकल स्कोप हो सकता है। लोकल स्कोप, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन बॉडी इज सेड टू हैव लोकल स्कोप। तो जो वेरिएबल आप फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर करते हो, क्रिएट करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप होता है। दैट इज इट कैन बी यूज्ड ओनली विद इन दिस फंक्शन एंड द अदर ब्लॉक्स कंटेन्ड इन इट। तो जो ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हो फंक्शन की बॉडी में, राइट, उसको आप सिर्फ फंक्शन की ही बॉडी में यूज कर सकते हो, या फिर फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर आपने दूसरे ब्लॉक्स डिफाइन किए हैं, दूसरे फंक्शंस नेस्टेड फंक्शंस हैं, राइट, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो उसमें भी ये वाला जो आपका वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, वो यूज हो सकता है। लेकिन फंक्शन की बॉडी के बाहर, इसके आउटसाइड लोकल वेरिएबल यूज नहीं होगा, राइट। और इस स्कोप को क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप बोलते हैं। इस वेरिएबल मतलब कहां तक सीमित है, यह वेरिएबल फंक्शन की डेफिनेशन तक सीमित है। द वेरिएबल्स हैविंग लोकल स्कोप आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। तो जिन वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स, ओके। द नेम ऑफ द पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो हैव लोकल स्कोप। तो यहाँ पे जो आप पास करते हो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, जो आप पैरामीटर्स पास करते हो, उनको भी, उनका स्कोप भी क्या होता है, लोकल स्कोप होता है। वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज होते हैं, फंक्शन के बाहर यूज नहीं होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम से फंक्शन है, तो जब फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, राइट, कंट्रोल जाएगा फंक्शन के ऊपर और फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे आपने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है x इक्वल टू 50, राइट, और आपने उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी है, फाइन। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास 50 आ गया, ये x हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल, जो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया है, फंक्शन के बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता है। इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ अभी आपको, ओके। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना फंक्शन def डिस्प्ले, राइट, इसमें मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, डिफाइन किया 50, ओके, इसको हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं लोकल वेरिएबल, राइट, आपका x क्या है, लोकल वेरिएबल है, फाइन। अब हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही इसको प्रिंट करा दिया, वैल्यू ऑफ x इज x, राइट, आपने दे दिया वैल्यू ऑफ x इज x, ओके। देन आपने क्या किया, आपने इसको फंक्शन को कॉल करा दिया, फाइन। नाउ वी विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, वैल्यू ऑफ x इज 50, राइट, आपने फंक्शन को कॉल किया, ओके, फंक्शन कॉल होगा, इंटरप्रेटर, सबसे पहले इंटरप्रेटर का कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा, तो चेक करेगा ये क्या है, फंक्शन हेडर है, फंक्शन हेडर को चेक करके वो फंक्शन बॉडी को स्किप कर देगा, ओके। देन कंट्रोल कहाँ जाएगा, इंटरप्रेटर का डिस्प्ले
फंक्शन कॉल पे गया है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन हेडर पे चला जाएगा, और ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू दिया है 50 और उसको प्रिंट करा दिया, सिंपल। आपके पास वैल्यू आ गई 50, राइट। अब देखो फंक्शन के अंदर हम एक्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप कहाँ है, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही है। एक्स को आप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। कैसे, अगर आप बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगी, एरर। मैं इसको करके दिखाती हूँ। जैसे अगर आपने क्या किया, इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश की, प्रिंट, ओके, वही मैं स्टेटमेंट यहाँ पे ले लेती हूँ, वैल्यू ऑफ x इज, ओके, हमने ले ली x, फाइन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लुक, यहाँ पे देखो क्या आ गया है, यहाँ पे आपकी नेम एरर आ गई है, नेम x इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि फंक्शन के बाहर वो इसको, आप x वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे कह रहा है कि x नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ ही नहीं है फंक्शन के बाहर, राइट। तो आपका x जो वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ तक है, उसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है, लोकल स्कोप है, राइट। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल स्कोप। इन पाइथन अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। तो जो वेरिएबल कहां पे डिक्लेयर होता है, कहां पे डिफाइन होता है, आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, मतलब सारे फंक्शंस के बाहर, ओके, या किसी भी ब्लॉक के बाहर जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। और उसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप, इट कैन बी यूज्ड इन द एंटायर प्रोग्राम। तो ग्लोबल वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वेरिएबल आपको ग्लोबल बनाना है उसको ना तो आप किसी फंक्शन में डिक्लेयर करोगे, ओके, ना ही आप किसी ब्लॉक में उसको डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर या डिफाइन, राइट, ओके। एनी चेंज मेड टू द ग्लोबल वेरिएबल विल इम्पैक्ट ऑल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम वेयर दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी चेंज करते हो तो जो जो फंक्शंस उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं उन फंक्शंस में भी उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। समझ आया ग्लोबल वेरिएबल कौन सा, अच्छा, और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या हुआ, ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप कौन सा है, जो पूरे प्रोग्राम में यूज होता है, राइट, ओके। पूरे प्रोग्राम का स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप है। और ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे यूज कर सकते हो, आप प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी फंक्शन में यूज कर सकते हो, किसी ब्लॉक में यूज कर सकते हो, या फंक्शन या ब्लॉक के बाहर यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन साइड एज वेल एज आउटसाइड द फंक्शन। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, इक्वल टू 50 लिखा है, ये देखो किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया है, किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं किया है, ओके। तो यहां पे हमारा x क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा फर्स्ट लाइन पे, और फर्स्ट लाइन में आपका ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन हुआ है, ओके। देन सेकंड लाइन पे कंट्रोल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, एक हमने फंक्शन बनाया है डेफ डिस्प्ले, राइट। तो इंटरप्रेटर इसको चेक करेगा हेडर को, देन इट विल स्किप द बॉडी। नेक्स्ट आपका कहाँ जाएगा, डिस्प्ले पर, डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया है, ओके। ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी तो आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा, फंक्शन पे चला जाएगा और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया, वैल्यू ऑफ x इनसाइड द फंक्शन इज x। तो देखो फंक्शन के अंदर हम x को एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी आ रही है 50, राइट। अब देखो यहाँ पे जो ये जब फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या दिया, आउटसाइड द फंक्शन, वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द फंक्शन x, राइट। तो 50 की वैल्यू अगेन आ रही है। तो यहाँ पे देखो ग्लोबल वेरिएबल आप थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हो, कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ अभी, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल्स टू 50, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, ओके। मैंने क्या डिफाइन कर दिया इसको, ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ओके। अब यहां पे हम लिखेंगे डेफ डिस्प्ले, फाइन। और यहां पे मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट
value of x inside function. Okay, value of x inside function हमने दे दिया x, right? अब यहाँ पे हम करते हैं function को call. Next, अब हम इसको print करा रहे हैं बाहर. देखो तो लोकल वेरिएबल जब हमने बाहर प्रिंट कराने की कोशिश की थी तो क्या आया था, हमारे पास एरर आ गई थी. बट ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इनसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन, वेयर एवर यू वांट. ओके, आउटसाइड फंक्शन, फाइन. और आपने दे दी एक्स की वैल्यू. ओके, अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग. देखो सिंपल, आपके पास आ गया है, कोई एरर नहीं आई. वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड द फंक्शन 50, राइट, एंड वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द फंक्शन 50, राइट. तो सबसे कैसे ही एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे. ओके, फर्स्ट लाइन पे आपका, आपने क्या किया है, क्रिएट किया है ग्लोबल वेरिएबल को, राइट. देन आपने एक फंक्शन क्रिएट यहाँ पे, फिर कंट्रोल जाएगा सेकंड लाइन पे, दिखेगा यहाँ पे क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है. ओके, फंक्शन डेफिनेशन के बाद वो क्या करेगा, फंक्शन बॉडी को स्किप कर देगा. देन इसके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है. फंक्शन को कॉल किया है तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन में, फंक्शन हेडर पे चला जाएगा इंटरप्रेटर का कंट्रोल, और फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट वाली, वैल्यू ऑफ एक्स इन साइड द फंक्शन, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने डिस्प्ले करा दिया है. तो देखो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आया है, वैल्यू ऑफ एक्स इन साइड फंक्शन, राइट. तो फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल कहां रिटर्न हो जाएगा, कंट्रोल आपका चला जाएगा फंक्शन कॉल की नेक्स्ट वाली लाइन पर. ओके, तो अब आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड फंक्शन, राइट. तो देखो ग्लोबल वेरिएबल को आपको, आपने क्या किया है, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया है, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस किया है, कोई एरर नहीं आई है. ओके, आप अगर ग्लोबल वेरिएबल पर क्या करना चाहते हो, ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके अपने फंक्शन में कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे हमने ए ले लिया, ए इक्वल्स टू ले लिया आपने एक्स प्लस मैंने ले लिया 10, राइट. एक्स प्लस 10 ले लिया, तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, आप प्रिंट करा दो, प्रिंट value of a is, राइट. तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, ग्लोबल फंक्शन को एक्सेस, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही हूँ, फाइन. ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ ए ले ली, वैल्यू ऑफ ए इज ए, राइट. तो आप इसको एग्जीक्यूट कराओ. देखो अब आप इसको समझो, आपने क्या किया यहाँ पे, क्या किया है, एक्स ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके उसमें क्या प्लस किया है, आपने प्लस किया है 10, राइट. तो सबसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर आपने फंक्शन को क्रिएट किया. तो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ग्लोबल वेरिएबल, राइट. देन आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, इसको स्किप कर देगा बॉडी को, एंड डिस्प्ले यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो. फंक्शन कॉल होगा तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन हेडर के पास, और आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा. फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है ए, और उसमें क्या हमने वैल्यू डाली है, ए is equal to x plus 10, right? x plus 10 कर दिया है. तो यहाँ पे x क्या है, global variable है. फिर आपने print कराया value of x inside function, तो आपकी 50 आ गई. okay, value of a 60 आ गया, right? आप क्या कर रहे हो, global variable को अपने function में use कर रहे हो, fine. और जब आपका function execute हो जाएगा completely, आपका control कहाँ चला जाएगा, outside the function here, and आपका value of x outside the function 50, right? तो आप global variable को access करके उसके ऊपर calculation भी करा सकते हो function में, right? Okay, here we have lifetime of a variable. Variable का lifetime क्या होता है? The lifetime of variable is the time for which a variable lives in memory. नेक्स्ट वी हैव लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है? द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज द टाइम फॉर विच अ वेरिएबल लिव्स इन मेमोरी. तो लाइफ टाइम क्या है? वो टाइम है जिस टाइम में वेरिएबल मेमोरी के अंदर रहता है. ओके, फॉर ग्लोबल वेरिएबल लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम रन
दैट इज दे लिव इन मेमरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग. तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए लाइफ टाइम क्या है? ग्लोबल वेरिएबल के लिए लाइफ टाइम तब तक है जब तक कि प्रोग्राम रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, राइट? ओके. फॉर लोकल वेरिएबल लाइफ टाइम इज देयर फंक्शंस रन एज लॉन्ग एज देयर फंक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. एंड लोकल वेरिएबल के लिए क्या है? जिस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तब तक ही लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है. तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ग्लोबल वेरिएबल कब तक रहता है मेमरी के अंदर? पूरे प्रोग्राम का जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, मतलब प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ग्लोबल वेरिएबल क्या रहता है? मेमरी के अंदर लाइव रहता है. ओके. एंड लोकल वेरिएबल कब तक रहता है? जब तक कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता जिस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है. ओके. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ आएगा. ओके. तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं डेफ एरिया. ओके. एंड आपने यहाँ पे ले लिया एल एंड बी लेंथ एंड ब्रेथ. फाइन. अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं. तो हमने ले लिया ए equals to L into B. okay, and return कर दिया आपने A को. fine. okay. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यूजर से इनपुट कराते हैं लेंथ एंड ब्रेथ को. यूजर से इनपुट कराते हैं. तो मैंने यहाँ पे ले लिया int input enter लेंथ. ओहो, ये सारा कैपिटल में आ गया. एंटर लेंथ, राइट? ओके. नेक्स्ट हम ले लेते हैं ब्रेथ. इसको भी इनपुट करा लेते हैं. इनपुट एंटर आपने कर दिया ब्रेथ. विथ भी लिख सकते हो. ओके. तो इन दो वेरिएबल्स की हम यूजर से एंट्री करा लेंगे. हमने एक वेरिएबल ले लिया AR एरिया और यहाँ पे एरिया फंक्शन को कॉल कर दिया और उसमें L एंड B की वैल्यू हमने पास कर दी, राइट? L एंड B की वैल्यू हमने पास कर दी. आई थिंक ये मैंने 1 ले लिया है. L ये एंड B की वैल्यू हमने पास कर दी, राइट? ओके. और अब ये हमने प्रिंट करा दिया. प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एआर, राइट? अब देखो यहां पे मैं पहले आपको बताती हूं. जो आपने ए डिक्लेयर किया, यहां पे ए वेरिएबल बनाया है. ए आपने क्या बनाया है? यहाँ पे ए आपका क्या है? लोकल वेरिएबल है. हम इसको कमेंट में दे देते हैं. ए इज लोकल वेरिएबल. ओके. यहाँ पे आपका एल एंड बी जो आपने आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, दो वेरिएबल, ये कौन से हैं आपके? आपके एल बी एंड ए आर, ठीक है? ये वाला वेरिएबल, ये क्या है? आपके ग्लोबल वेरिएबल है. तो हम यहाँ पे इसके नीचे दे देते हैं कमेंट में एल बी एंड ए आर ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट? तो एल बी एंड ए आर जो वेरिएबल है वो आप कहीं पर भी थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हो, लेकिन ए को आप विद इन एरिया फंक्शन ही यूज कर सकते हो. फाइन. तो अब देखो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं. लेंथ आपकी आगे लेंथ मान लो मैंने दे दी 4. ओके. ब्रेथ मैंने दे दी 2. फाइन. तो आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8, राइट? आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8. कैसे हुआ है आपका एग्जीक्यूट प्रोग्राम? सबसे पहले आपका जो कंट्रोल है वो इंटरप्रेटर का कहाँ जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा जो क्या है? फंक्शन हेडर है. फंक्शन हेडर को चेक करके वो फंक्शन बॉडी को स्किप कर देगा. ओके. देन द आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा? आपका कंट्रोल जाएगा इस लाइन पर.
राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से इनपुट कराई है लेंथ और उसको इंट फंक्शन की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको पता है इनपुट फंक्शन हमेशा वैल्यू किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है, राइट। देन आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जहां पे आप क्या करोगे, एंटर कराओगे ब्रेथ को। तो आपका देखो एंटर लेंथ आ गया, एंटर आपका ब्रेथ आ गया, आपने वैल्यू एंटर कर दी। ओके, देन द कंट्रोल विल गो डाउन। यहाँ पे क्या किया, आपने फंक्शन को कॉल किया है और एल एंड बी की वैल्यू जो आपने एंटर कराई है यूजर से वो कहाँ पे पास हो जाएंगी, वो फंक्शन में पास हो जाएंगी। एल की वैल्यू चली जाएगी एल में एंड बी की वैल्यू चली जाएगी बी में, राइट। आपका कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा अलोंग विद द एल एंड बी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करेगा ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो जो वैल्यू आपने पास कराई थी 4 × 2 हो जाएगा और आपका ए में क्या वैल्यू आ जाएगी 8, राइट। फंक्शन ने रिटर्न कर दिया ए को, राइट। अब ए की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के प्लेस पर। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट अब हट जाएगा, इसके प्लेस पे ए की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू कहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी, किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ए आर वेरिएबल के अंदर, राइट। और आपने ए आर वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट। सिंपल आपने ये देखा, ओके। अब देखो मैं अगर नेक्स्ट क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो ए है मेरा लोकल वेरिएबल, ओके, उसको अगर मैं नीचे एक्सेस करने की कोशिश करूं, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने कर दिया ए, फाइन, तो क्या होगा, लोकल वेरिएबल को मैं एक्सेस नहीं कर सकती। अगर मैं इसको करती तो क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा एरर, और एरर कब आएगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब एरर आएगा। तो ये जो सबसे पहले कंट्रोल कहाँ गया, सबसे पहले कंट्रोल आपका फर्स्ट लाइन पे गया, देन आपका उसने चेक किया ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है, देन आपका कहाँ जाएगा, आपका आपका जाएगा जहां पे आप इनपुट करा रहे हो लेंथ को। तो मैंने इनपुट करा दिया 4 लेंथ, राइट। अब मैंने ब्रेथ को, नेक्स्ट मैंने ब्रेथ को इनपुट करा दिया 2, राइट, ओके। उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, उसके बाद आपका कंट्रोल जाएगा यहाँ पे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे जाएगा, तो फंक्शन आपका क्या करेगा, इन्वोक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, राइट। आपके अंदर इस फंक्शन के अंदर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पास हो जाएंगी, वो कैलकुलेट होंगी और वो रिटर्न हो जाएंगी। रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पे आ भी जाएंगी और एआर के अंदर इनिशियलाइज भी हो जाएंगी। लेकिन जब आपका ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, ओके, और जब इंटरप्रेटर को क्या मिलेगा कि आप यहाँ पे ए को एक्सेस कर रहे हो, ए को, तब आपका क्या आएगा, एरर आएगा, राइट। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 22 प्रेस 2 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, अब हमारे पास क्या आएगा, एरर आ गया। कौन सा एरर आया है आपके पास, आपके पास आया है नेम एरर, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, राइट। आउटसाइड द फंक्शन ए को हमने डिफाइन नहीं किया है, इनसाइड तो फंक्शन किया हुआ है, आउटसाइड द फंक्शन नहीं किया है, इसलिए आपकी नेम एरर आ गई है, फाइन, बिकॉज यहाँ पे हमने ए को एक्सेस करने की कोशिश की है जो क्या है, लोकल वेरिएबल है, ओके। अब अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ए की जगह ए आर को एक्सेस कर लेती हूँ जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो क्या आपके पास क्या होगी, एरर आएगी, नहीं आएगी। आप सिंपली इसको एग्जीक्यूट करो जैसे हमने पहले किया था, 4 देन 4, ओके, आपका रिजल्ट आ गया है, ओके ओके। मैंने आपको बताया था ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं एक यहाँ पे चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन और क्रिएट करती हूँ, राइट। मैंने एक फंक्शन और क्रिएट किया यहाँ पे डेफ, ओके, और मेरे फंक्शन का नाम है शो एरिया फंक्शन, राइट। ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया शो एरिया फंक्शन, फाइन। और इसमें मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एआर। अब देखो यहाँ पे AR को, AR मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस कर रही हूँ, फाइन। तो यहाँ से हम प्रिंट हटा देते हैं, ओके, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपने फंक्शन को शो एरिया फंक्शन, राइट। अब मैं पहले आपको बताती हूँ एग्जीक्यूट कैसे होगा। यहाँ पे देखो पहले आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा जो कि फंक्शन हेडर है, फंक्शन बॉडी को ये क्या करेगा, स्किप। देन ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी फंक्शन हेडर है, इसको चेक करने के बाद फंक्शन बॉडी को ये स्किप कर देगा। फिर ये कहाँ जाएगा, आपके पास जाएगा इस लाइन के पास जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लेंथ को इनपुट करा रहे हो,
ओके तो आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर लेंथ, फिर आपका कहाँ जाएगा, बी के पास जाएगा, बी वेरिएबल वाली लाइन के पास, और आपसे पूछेगा एंटर ब्रेथ, आप ब्रेथ को एंटर करा दोगे, फाइन। देन आपका क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में आपने किसको कॉल किया है, एरिया फंक्शन को कॉल किया है, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू आपने पास की है, तो यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा और आपका क्या होगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ए इक्वल्स टू एल इन टू बी और रिटर्न ए, ए रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा, आपके स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, और वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, ए आर के अंदर, ए आर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके अब आपने एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया, फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है तो आपका कंट्रोल चला जाएगा शो एरिया फंक्शन के पास, और शो एरिया फंक्शन के अंदर आपने क्या स्टेटमेंट दिया, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए आर, तो यहाँ पे देखो ए आर वेरिएबल जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, आप इसको एक्सेस करा रहे हो फंक्शन के अंदर, राइट, शो एरिया फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा और आपका ए आर की वैल्यू फंक्शन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी, फाइन। मैं देखो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ अब आपको, देखो एंटर लेंथ, आपने लेंथ को एंटर कर दिया, मान लो आपने लेंथ दे दी 4, राइट, आपने ब्रेथ दे दी 3, ओके आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने कहाँ प्रिंट कराया है, आपने शो एरिया फंक्शन के अंदर प्रिंट कराया है, और ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, फंक्शन कॉल जब आपने किए तब एग्जीक्यूट हुआ है, तो डिफरेंस देखो, अगर आप ए को बाहर एक्सेस करोगे फंक्शन के बाहर तो क्या होगा, एरर रहेगी, बट अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पर भी यूज करोगे फंक्शन के अंदर फंक्शन के बाहर तो कोई भी एरर नहीं आएगी, तो यहाँ पे मैंने ए आर जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है उसको शो एरिया फंक्शन के अंदर यूज किया है तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव नेम रिजोल्यूशन, रिजोल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम और LEGB रूल, तो यहाँ पे LEGB रूल क्या है, L stands for local, E stands for enclosing, G stands for global and B stands for built-in, तो LEGB रूल क्या है, LEGB रूल इज अ काइंड ऑफ नेम लुकअप प्रोसीजर विच डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच पाइथन लुकअप नेम्स इन अ प्रोग्राम और फंक्शन, तो LEGB रूल क्या है, ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से प्रोग्राम क्या करता है, किसी भी नाम को ढूंढता है पूरे प्रोग्राम के अंदर, राइट, तो कैसे ढूंढता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी एक्सेस अ वेरिएबल नेम इन अ प्रोग्राम, अगर मान लो आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो पाइथन उस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेगा, देन पाइथन विल लुक That name up sequentially in the local. तो Python सबसे पहले कहाँ जाएगा, local scope में variable को ढूंढेगा, अगर नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा, enclosing scope में ढूंढेगा, अगर वहां पर भी नहीं मिलता है तो global scope में ढूंढेगा, और अगर वहां पर भी नहीं मिलता है तो कौन से scope में ढूंढेगा, वो built-in scope में इसको ढूंढेगा, right? अगर built-in में भी नहीं मिलता है तो क्या show कर देगा, error show कर देगा, fine? इसको हम practically करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि लोकल स्कोप में कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एनक्लोज्ड में कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल में कौन से होते हैं, बिल्ट इन में कौन से होते हैं, ओके देखो लोकल में क्या है, दिस स्कोप इज वैलिड फॉर ऑल द डिफाइंड एलिमेंट्स इनसाइड अ फंक्शन और क्लास, तो लोकल स्कोप में वो वेरिएबल्स आएंगे जो किसी फंक्शन में या क्लास में आपने डिफाइन किए हुए हैं, राइट, जो अभी हमने किए भी, हमने लोकल ग्लोबल तो अभी किया है, राइट, अब क्या है आपका एनक्लोज्ड, नेम्स डिफाइंड इन नेस्टेड फंक्शन और क्लोज्ड फंक्शन, राइट, तो एनक्लोज्ड क्या हो गया, आप एक फंक्शन है उसके ऊपर एक और फंक्शन है, राइट, तो यहाँ पे एनक्लोज्ड, जैसे हमारा लोकल हो गया ये, ओके एनक्लोज्ड हो गया आपका, इसको कवर करने वाला एक फंक्शन आपका यहाँ पे था फंक्शन एफ, राइट, उसके ऊपर एक और फंक्शन आपने बनाया हुआ है फंक्शन F1, राइट, तो ये आपका क्या हो गया, एनक्लोज्ड स्कोप हो गया, फाइन, ग्लोबल स्कोप आपको पता है, नेम डिफाइंड अबव अ पाइथन क्लास और एट द टॉप ऑफ द मॉड्यूल, मतलब आप ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं मोस्टली आप उनको कहाँ डिफाइन करते हो, टॉप पे डिफाइन करते हो, अदरवाइज आप फंक्शन में कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हो ग्लोबल को, राइट, बट दे आर आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द ब्लॉक्स, राइट, देन बिल्ट इन, ऑल बिल्ट इन वेरिएबल्स इन फंक्शंस ऑफ पाइथन, तो बिल्ट इन में क्या, कौन से वेरिएबल्स आएंगे जो पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड, जो पाइथन की लाइब्रेरी आपको प्री डिफाइंड वेरिएबल्स प्रोवाइड करती है और फंक्शंस प्रोवाइड करती है, वो कौन से, वो किस में आएंगे, बिल्ट इन वेरिएबल्स के अंदर आएंगे, फाइन, तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ओके, तो अब यहाँ पे हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पाई इक्वल्स टू 20, राइट, अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, और हम उसको बोल लिख देते हैं आउटर फंक्शन, राइट, और इसमें हम दे देते हैं पाई की वैल्यू, पाई इक्वल्स टू 30,
राइट। अब इसके अंदर आउटर फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेस्टिंग हो जाएगी फंक्शन की, राइट, डेफ इनर फाइन, और इसमें हम पाई की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 40, राइट, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी, प्रिंट, आपने पाई की वैल्यू प्रिंट करा दी, ओके, इक्वल्स पाई, राइट, पाई की वैल्यू आपने प्रिंट करा दी। अब हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके, देन हम आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे, फाइन। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये जो सबसे ऊपर डिफाइन किया है इसको हम दे देते हैं, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है ग्लोबल वेरिएबल, राइट, ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे होगा, ये ग्लोबल स्कोप में है, राइट। अब देखो हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले इनर फंक्शन में देखो, इनर फंक्शन में पाई इक्वल टू 40 है, ये हमारा क्या है, लोकल स्कोप है, लोकल वेरिएबल है, राइट, तो हम इस यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे ऊपर लिख भी देते हैं ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, राइट, ग्लोबल स्कोप, फाइन। अब यहाँ पे हम जो हमारा पाई 40 है जो हमने इनर फंक्शन में दिया है वो हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकल स्कोप, लोकल स्कोप हो गया। अब देखो जो इस ये जो हमारा ये इनर फंक्शन है, ये आपका इनर फंक्शन है, ओके, और इस फंक्शन को किसने कवर किया, इसको इस फंक्शन को कवर किया है आउटर फंक्शन ने, तो ये इसका एनक्लोजिंग स्कोप हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका इनर फंक्शन है, राइट, दिस इज योर इनर फंक्शन, तो ये आपका इनर स्कोप हो गया, और इसने इसको किसने कवर किया है, इसको कवर किया है आउटर फंक्शन ने, तो ये आपका आउटर, ये क्या हो गया, ये आपका एनक्लोजिंग स्कोप हो गया, राइट, एनक्लोजिंग स्कोप हो गया, फाइन। तो जो 30 जो वेरिएबल 30 है वो कहाँ पे डिफाइन हुआ है, एनक्लोज्ड, ये कौन सा वेरिएबल है, ये एनक्लोज्ड वेरिएबल है, ठीक है, एनक्लोज्ड वेरिएबल, एनक्लोज्ड वेरिएबल, फाइन, और आप यहाँ पे लिख सकते हो एनक्लोजिंग स्कोप, क्लोजिंग स्कोप, फाइन, हमने एनक्लोजिंग, अच्छा हमने ग्लोबल ले लिया, लोकल ले लिया, एनक्लोजिंग स्कोप ले लिया, हम बिल्ट इन भी ले ही लेते हैं, ओके, हम बिल्ट इन भी ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्ट इन भी ले लेती हूँ, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई, तो हम मैथ मॉड्यूल से पाई वेरिएबल की वैल्यू क्या ले रहे हैं, इम्पोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट लाइन हमने ली है उसमें हम कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, हम बिल्ट इन वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बिल्ट इन वेरिएबल, वेरिएबल, ओके, और स्कोप आपका हो गया बिल्ट इन स्कोप, राइट, तो इसको लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं, बिल्टिन क्या है, पाई इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, देन आपका कंट्रोल जाएगा डेफ आउटर, डेफ आउटर पे जाएगा तो क्या होगा, फंक्शन हेडर चेक होने के बाद पूरी फंक्शन बॉडी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, देन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर, जहां पे आपने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, आउटर फंक्शन को कॉल किया है, राइट, आउटर फंक्शन को कॉल किया है तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर फंक्शन के पास चला जाएगा आपका कंट्रोल, फाइन। अब आपका पूरा आउटर जो फंक्शन है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, आप इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे आपने वेरिएबल पाई की वैल्यू दी है 30, राइट, आपका एनक्लोज्ड वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, फिर आप नीचे जाएगा डेफ इनर, डेफ इनर फंक्शन है आपका, उसके अंदर जाएगा वो भी एग्जीक्यूट होगा, डेफ इनर एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है 40, ओके, एंड प्रिंट करा दिया पाई, ओके, द वैल्यू ऑफ पाई इज पाई, राइट, फिर वो नीचे जाएगा तो क्या है, इनर फंक्शन को कॉल किया है, तो अब क्या होगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, इनर फंक्शन पे कॉल हुआ है तो यहाँ पे चला जाएगा इनर, अब क्या होगा, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी 40, अंडरस्टूड, ओके, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पाई इक्वल टू 40,
राइट। और देखो जब ये फॉलो करता है पाइथन, जब फंक्शन को एग्जीक्यूट कराता है तो एलईजी भी रूल फॉलो करता है, पहले लोकल वेरिएबल को सर्च करता है, फिर एनक्लोज्ड वेरिएबल को सर्च करता है, फिर ग्लोबल वेरिएबल को सर्च करता है, देन बिल्ट इन वेरिएबल को सर्च करता है। तो देखो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपके पास देखो वैल्यू आ गई है 40, राइट। आपकी स्टेटमेंट क्या है, पाई इक्वल टू 40, आपका लोकल वेरिएबल एग्जीक्यूट हुआ है, लोकल वेरिएबल एक्सेस हुआ है सबसे पहले, फाइन। अब अगर मैं क्या करती हूँ, लोकल वेरिएबल को मैं हटा देती हूँ, लोकल वेरिएबल जो है यहाँ पे इसको मैं बना देती हूँ कमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया कमेंट, लोकल वेरिएबल मेरा कमेंट बन गया। अब किसको एग्जीक्यूट करेगा, एनक्लोज्ड वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेगा पाइथन, राइट। मैंने आपको बता दिया एग्जीक्यूट पूरा जो फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है, पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपका पाई वेरिएबल इंपोर्ट हो जाएगा, देन आपने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है, फिर आपने क्या किया है, जो कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, वो आउटर फंक्शन के हेडर पे जाएगा और इसको इसकी बॉडी को स्किप कर देगा, राइट। फिर आपने आउटर फंक्शन को कॉल कर दिया, आउटर फंक्शन को कॉल किया है तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर फंक्शन के हेडर पे चला जाएगा और इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे आपने एनक्लोज्ड वेरिएबल क्रिएट किया है, राइट। फिर इसके अंदर आपने इनर फंक्शन बनाया है, इनर फंक्शन के अंदर आपने पाई की वैल्यू क्या करी है, प्रिंट कराई है, क्योंकि यहाँ पे अब ये हमारा पाई वेरिएबल लोकल वेरिएबल हमने हटा दिया है, ठीक है, लोकल वेरिएबल कमेंट बन गया तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। ओके तो अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट कराई है और फिर इनर फंक्शन को ही इसके अंदर कॉल किया गया है, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा इनर फंक्शन, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ओके। पर इनर फंक्शन के अंदर तो पाई की वैल्यू है ही नहीं क्योंकि हमने क्या किया, उसको हमने कमेंट बना दिया है। तो अब जो आपका इंटरप्रेटर है, लोकल वेरिएबल तो है नहीं, अब किसको ढूंढेगा, एनक्लोज्ड वेरिएबल को ढूंढेगा और क्या करेगा, एनक्लोज्ड वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे अब मेरा क्या आना चाहिए, प्रिंट, क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, 30, राइट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ, आप ध्यान से देखो इसको, प्रिंट एग्जीक्यूट, आप देखो अब कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है, अब आपकी प्रिंट हुई है 30, क्योंकि जब लोकल वेरिएबल नहीं था तो पाइथन ने किसको ढूंढा, एनक्लोज्ड वेरिएबल को ढूंढा और एनक्लोज्ड वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो आपके पास आ गया 30, राइट। तो एल लोकल वेरिएबल हमारा एग्जीक्यूट हो गया, हमारा एनक्लोज्ड वेरिएबल एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अब देखो लोकल वेरिएबल भी नहीं है और एनक्लोज्ड वेरिएबल भी नहीं है, मैंने इसको भी बना दिया कमेंट, राइट। तो अब पाइथन किसको ढूंढेगा, अब ढूंढेगा ग्लोबल वेरिएबल को, एलईजीबी रूल फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग, फाइन, ओके। फिर से मैं आपको बताती हूँ कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल आपका फर्स्ट लाइन पे जाएगा, आपका पाई बिल्ट इन वेरिएबल आ जाएगा इम्पोर्ट, ओके। फिर आपने ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट किया है, फिर आपका यहाँ पे आउटर फंक्शन है, इसको वो इग्नोर कर देगा पूरे फंक्शन को, लेकिन हमने आउटर फंक्शन को कॉल किया, आउटर फंक्शन को कॉल किया तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो आउटर फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे देखो एनक्लोज्ड वेरिएबल मैंने हटा दिया, अंदर जाएगा क्या है आपका इनर फंक्शन, उसके अंदर भी हमने लोकल वेरिएबल को हटा दिया, लेकिन इनर फंक्शन के अंदर हमारे पास कमांड क्या है, प्रिंट पाई, पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है और इसके अंदर हमने इनर को कॉल किया है, तो इनर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट पाई, राइट। तो अब क्या करेगा, एल लोकल वेरिएबल को ढूंढेगा, नहीं है, ई एनक्लोज्ड वेरिएबल को ढूंढेगा, नहीं है, फिर आपको किसको ढूंढेगा, ग्लोबल वेरिएबल को ढूंढेगा, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, पाई इक्वल टू 20, ग्लोबल वेरिएबल के पास जाएगा एलईजी, तो अब यहाँ पे आप जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, पाई की 20, राइट। अब मैं देखो इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो हमारे पास कौन सी आएगी, हमारे पास वैल्यू आ गई है 20, राइट। देखो लुक एट दिस, पाई इक्वल्स टू 20, आपका कौन सा वेरिएबल एग्जीक्यूट हुआ है, 20, तो ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको भी हम बना देते हैं कमेंट, राइट। इसको भी हम क्या बना देंगे, कमेंट, जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है इसको भी मैंने बना दिया कमेंट, राइट। अब देखो अब आपका फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा पूरा प्रोग्राम, राइट। आपका क्या होगा, आपने बिल्ट इन वेरिएबल इंपोर्ट कराया है पाई, राइट। उसके बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाया, इसको कमेंट बना दिया है, राइट। आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटर फंक्शन के हेडर पे जाएगा, ओके। देन इसकी पूरी बॉडी इग्नोर हो जाएगी, आपने फिर किया आउटर को कॉल, आउटर को कॉल किया तो फंक्शन आपका
कहाँ पे जाएगा? कंट्रोल आउटर के हेडर पे जाएगा, आउटर के हेडर पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने इसको हटा दिया है एनक्लोज्ड वेरिएबल को, फिर ये नीचे जाएगा इनर फंक्शन के पास। इनर फंक्शन में भी हमने वेरिएबल, लोकल वेरिएबल को हटा दिया है, फाइन। लेकिन स्टेटमेंट है हमारी पाई इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है, और इसके अंदर हमने इनर को कॉल कर दिया। इनर को कॉल कर दिया तो क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। अब देखो अब क्या करेगा, एल ई जी बी, राइट, मतलब एल ई जी बी रूल यहाँ पे फॉलो होगा। लोकल वेरिएबल हमारे पास नहीं है, एनक्लोज वेरिएबल हमारे पास नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास नहीं है, तो अब कौन से वेरिएबल को ढूंढेगा, वो बी। ओके, बिल्ट इन वेरिएबल को ढूंढेगा, तो बिल्ट इन वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, बिल्ट इन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन वेरिएबल पाई की वैल्यू आ गई है 3.14, राइट। ओके, तो यहाँ पे एल ई जी बी रूल फॉलो हुआ, सबसे पहले लोकल वेरिएबल को प्रिंट कराया, वो नहीं मिला, तो फिर एनक्लोज्ड वेरिएबल को प्रिंट कराया, वो नहीं मिला, तो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया, और जब ग्लोबल वेरिएबल नहीं मिला तो आपने जो पाइथन था उसने बिल्ट इन वेरिएबल को प्रिंट कराया। और अगर उसको बिल्ट इन वेरिएबल भी नहीं मिलता है तो क्या आएगी आपके पास, एरर आएगी, हम करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है, स्टेटमेंट आपकी है वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप बट नॉट इन लोकल स्कोप, बट नॉट इन लोकल स्कोप, फाइन। तो यहां पे हमने फंक्शन बनाया डेफ चेक, ओके, उसके अंदर हमने ले लिया इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू प्रिंट नम वन, ओके। अब देखो चेक फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई भी नम वेरिएबल, नम वन और नम टू वेरिएबल नहीं बनाया है, तो ये ऑब्वियसली ये वेरिएबल हम कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ये हम ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करेंगे और इसको अपने फंक्शन में यूज करेंगे, फाइन। अब यहाँ पे आपका आ गया एल्स, अगर नम वन बड़ा है तो नम वन प्रिंट हो जाए, एल्स आपका प्रिंट हो जाए नम टू, नहीं तो आपका क्या प्रिंट हो जाए, नम टू प्रिंट हो जाए, फाइन। अब देखो यहाँ पे हमने ले लिया नम वन, ग्लोबल वेरिएबल हम बना रहे हैं और इसमें हम वैल्यू कहाँ से इनपुट करा रहे हैं, यूजर से, इनपुट आपने ले लिया एंटर नंबर वन, ओके, देन नम टू इंट इनपुट एंटर नंबर टू, ओके, एंड देन आपने क्या कर दिया, चेक फंक्शन को कॉल कर दिया, ओके। अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, देखो पाइथन विल फर्स्ट चेक द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ चेक फंक्शन फॉर वेरिएबल्स नम वन एंड नम टू। तो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे क्या है, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा जहां पे क्या है फंक्शन डेफिनेशन, इसको स्किप कर देगा, राइट। फिर आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा नम वन वाली लाइन, यहाँ पे एंटर नंबर वन आ जाएगा, एंटर नंबर टू आ जाएगा, फाइन। और उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को कॉल किया है तो सीधा कहाँ पे कंट्रोल कलर चला जाएगा, फंक्शन हेडर के पास। अब फंक्शन हेडर के पास जब कंट्रोल जाएगा तो ये फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फंक्शन बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो पाइथन क्या चेक करेगा, इसका लोकल एनवायरमेंट चेक करेगा, किसके लिए, नम वन एंड नम टू वेरिएबल के लिए, कि क्या नम वन एंड नम टू वेरिएबल यहाँ आपने डिफाइन किए हैं, ठीक है, अगर कि इसको ढूंढेगा कि क्या ये दोनों लोकल स्कोप के वेरिएबल हैं या नहीं है, ओके। अगर उसको यहाँ पे नम वन एंड नम टू डिफाइन नहीं मिलते, नम वन एंड नम टू आपने लोकल स्कोप में डिफाइन नहीं किए, फाइन, तो वो कहाँ जाएगा, पाइथन नाउ चेक्स फॉर नम वन एंड नम टू इन द पेरेंट एनवायरनमेंट ऑफ चेक फंक्शन। तो इसके ऊपर वाले एनवायरनमेंट में, पेरेंट एनवायरनमेंट में, चेक फंक्शन के ऊपर वाले एनवायरनमेंट में चेक करेगा, ओके, यहाँ पे लेकिन इसका पेरेंट एनवायरनमेंट है ही नहीं, ओके,
तो क्या होगा उसके बाद, वो क्या करेगा यहाँ पे देखो, पहले उसने लोकल एनवायरनमेंट में चेक किया नम वन एंड नम टू को, उसके बाद उसने एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में चेक किया, एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट इस फंक्शन का है ही नहीं, तो अब कहाँ जाएगा वो, ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेक करेगा नम वन एंड नम टू को, तो उसे नम वन एंड नम टू कहाँ मिल जाएंगे, ग्लोबल एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, फाइन। तो उनको वो क्या करेगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट से उनको एक्सेस करेगा और उनको एग्जीक्यूट करा देगा, राइट। तो यहाँ पे आपके फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, अगर नम वन बड़ा है तो नम वन की, नम टू बड़ा है तो नम टू की, राइट। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो एंटर नंबर वन, एंटर नंबर वन मैंने 10 कर दिया, एंटर नंबर टू मैंने 20 कर दिया, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे लिखी हुई 20 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपका एस वाला पार्ट क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, नम टू की वैल्यू आ गई है 20, फाइन। आपको प्रोसीजर पूरा समझ ही आ गया था, राइट। सबसे पहले क्या करेगा आपका पाइथन इंटरप्रेटर, लोकल वेरिएबल को ढूंढेगा कि क्या नम वन और नम टू लोकल वेरिएबल हैं, उसे नहीं मिलेंगे लोकल वेरिएबल, तो उसका एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट ढूंढेगा कि क्या एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में नम वन एंड नम टू हैं, इसका एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल एनवायरनमेंट में ढूंढेगा तो उसे नम वन और नम टू मिल जाएंगे, ओके। उनकी वैल्यूज को एक्सेस कराएगा और फंक्शन के अंदर और प्रिंट हो जाएगी, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर आपका वेरिएबल किसी भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया अपना फंक्शन डेफ ग्रीट, ओके, और उसमें आपने प्रिंट करा दिया प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, ओके, एंड इसके साथ आपने एक वेरिएबल ले लिया नेम, राइट। अब देखो नेम वेरिएबल को मैंने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, नहीं किया है, और मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल करा दिया, राइट। तो यहाँ पे देखो ग्रीट फंक्शन पहले फर्स्ट लाइन पे जाएगा आपका कंट्रोल, ओके, फंक्शन बॉडी को स्किप कर देगा, देन आपका कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पे जाएगा। आपने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन को, अब तो कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन हेडर पे और फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब देखो यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम दिया है, राइट, लेकिन वेरिएबल नेम ना तो हमने लोकल स्कोप में डिफाइन किया है, ना ही हमने एनक्लोजिंग स्कोप में डिफाइन किया है, ना ही हमने इसको ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है, तो क्या आ जाएगी आपके पास, एरर आ जाएगी, क्योंकि किसी ना किसी स्कोप में आपको वेरिएबल को डिफाइन करना जरूरी है। तो देखो इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास नेम एरर आ गई है, नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट। आपने किसी भी स्कोप में नेम वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास एरर आ गई है, राइट। अगर आपने इसको डिफाइन किया होता, लेट अस सपोज मैंने इसको डिफाइन किया होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया होता नेम वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लिख दिया होता, एक वैल्यू दे दी, मैंने यहाँ पे दीप्ति लिख दिया, राइट। उसके बाद मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट किया होता, लोकल स्कोप में मैंने इसको डिफाइन कर दिया है नेम वेरिएबल को, मेरे पास एग्जीक्यूट होके आ गया हेलो दीप्ति, फाइन। तो आपको वेरिएबल को कहीं किसी ना किसी स्कोप में डिफाइन करना जरूरी होता है, ओके ओके। अब अगर आपने सेम नेम लिए हैं वेरिएबल्स के लोकल स्कोप में भी एंड ग्लोबल स्कोप में भी, तो आपके वो वेरिएबल्स कैसे एक्सेस होंगे प्रोग्राम में, हम ये एग्जाम्पल करते हैं। सेम वेरिएबल नेम इन लोकल स्कोप एस वेल एस इन ग्लोबल स्कोप, राइट। सेम वेरिएबल नेम लेंगे तो यहां पे हमने अपना प्रोग्राम बनाया डेफ चेक, ओके, उसमें आपने एक वेरिएबल ले लिया ए और उसको आपने दे दी वैल्यू 20, राइट। तो यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल दिया है, तो फंक्शन में क्या होता है, जब आप फंक्शन में लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हो तो लोकल फंक्शन अपने वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को क्या देता है, प्रेफरेंस देता है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, लोकल वेरिएबल इनसाइड
फंक्शन. तो फंक्शन के अंदर हमेशा लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट. तो हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, ओके. और यहाँ पे हम दे दो, आप दे दो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए, राइट, ओके. अब आपने क्या किया, def check फंक्शन क्रिएट किया, उसमें वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू दी 20, उसको प्रिंट करा दिया, राइट. अब हम क्या करते हैं, सेम नेम से बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल और इसको वैल्यू मैं दे देती हूँ 50, फाइन, ओके. ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ओके. अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए, फाइन. नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने चेक फंक्शन को कॉल कर दिया, चेक फंक्शन को कॉल किया, फाइन. एंड देन आपने फिर से प्रिंट करा दिया, प्रिंट क्या कराया आपने, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए. अब देखो ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा आपका, यहां पे हम देखते हैं. देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आपके पास जाएगा फंक्शन, आपकी डेफिनेशन है, तो ये फंक्शन बॉडी आपकी स्किप हो जाएगी, फाइन. देन आपके पास इस लाइन के पास जाएगा, राइट. ग्लोबल वेरिएबल आपने क्रिएट किया यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 50 ग्लोबल वेरिएबल. अब आपने स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एक्सेस होगा, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा, क्योंकि हम लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, आपने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को कॉल किया है तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन हेडर पे चला जाएगा और फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है सेम नेम से जिसकी वैल्यू दी है 20 और उसको प्रिंट करा दिया है. अब फंक्शन के अंदर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाएगी. तो जब यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 50, राइट. ये आपकी 50 वैल्यू आएगी. फिर जब फंक्शन कॉल हुआ और प्रिंट स्टेटमेंट आया तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, 20, राइट. यहाँ आपके 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 पास 20 वैल्यू प्रिंट होगी, ओके. और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपका क्या, कहाँ पे जाएगा कंट्रोल, इस वाली स्टेटमेंट पे जाएगा. फिर आपका अगेन आप प्रिंट करा रहे हो वैल्यू ऑफ ए, तो आउटसाइड द फंक्शन अगेन क्या एक्सेस होगा, ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा आपका, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 50, राइट. आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 50. तो कैसे आएगा आपका रिजल्ट, 50, सबसे पहले 50, देन 20 एंड देन 50, राइट. 50 20 50, राइट. अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके. देखो अब यहाँ पर आ गया रिजल्ट, सबसे पहले आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई थी वैल्यू ऑफ ए, तो आपका वैल्यू ऑफ ए 50 आ गया ग्लोबल वेरिएबल. फिर आपका कौन सा, आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो फंक्शन में वैल्यू ऑफ ए प्रिंट हुई, वैल्यू ऑफ ए 20 आ गई, ओके. तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन किसको प्रेफरेंस देगा, अगर सेम नेम से वेरिएबल्स हैं तब तो वो देगा लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस, राइट. और फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका क्या है, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई तो अगेन इसने आउटसाइड द फंक्शन किसको एक्सेस किया, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है, ओके. अभी आपने देखा जब दो वेरिएबल सेम नेम के थे, लोकल वेरिएबल एंड द ग्लोबल वेरिएबल, तो फंक्शन ने किसको प्रेफरेंस दी, ग्लोबल वेरिएबल सॉरी लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी, राइट. आपने देखा भी प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन ने प्रिंट की, ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर दिया. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी यूज ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द लोकल स्कोप, हमें ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है लोकल स्कोप में, अगर दोनों का ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का नेम क्या है, सेम है. अभी हमने क्या देखा, फंक्शन किसको प्रेफरेंस देता है, लोकल को प्रेफरेंस देता है, वो ग्लोबल वेरिएबल को एग्जीक्यूट नहीं करता, लोकल को एग्जीक्यूट करता है. पर हम क्या चाहते हैं हमारे फंक्शन में, हम ग्लोबल वेरिएबल को एग्जीक्यूट करें, लोकल को एग्जीक्यूट ना करें. तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, इफ इन एनी प्रोग्राम देयर आर टू वेरिएबल्स विद द सेम नेम, वन इज लोकल एंड वन इज ग्लोबल, ठीक है. एक प्रोग्राम में दो वेरिएबल हैं सेम नेम के, एक लोकल है एक हमारे पास ग्लोबल है, राइट, ओके. टू यूज ग्लोबल वेरिएबल इन अ फंक्शन वी हैव टू यूज ग्लोबल कीवर्ड विद द वेरिएबल नेम. तो अगर आप चाहते हो ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना तो आप किसका यूज करोगे, आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करोगे वेरिएबल के नाम के साथ,
right? When a function changes the value of global variable, it will be reflected back outside the function also. और जब function क्या करता है, global variable की value change करता है, तो वो value change होकर function के बाहर भी use होती है. Fine. In Python, global keyword allows the programmer to use a global variable in the local context. ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है कि अगर हमें प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे, राइट? ओके, फंक्शन के अंदर अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल. वी नो इट कि अगर जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं. अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन इज द ग्लोबल बाय डिफॉल्ट. और जो आपके फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है. द कीवर्ड ग्लोबल इज रिटर्न इनसाइड द फंक्शन टू यूज द ग्लोबल वैल्यू. लेकिन अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है अपने फंक्शन के अंदर तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे? ग्लोबल कीवर्ड का यूज करोगे. नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली. ओके ओके, तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, उसको वैल्यू दे दी 10. तो 10 यहाँ पे सी मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया है? ये मैंने बनाया है ग्लोबल वेरिएबल, राइट? ग्लोबल वेरिएबल बनाया है. नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, def add name. add फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, add फंक्शन बनाया. ओके, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्लोबल कीवर्ड को यूज किया. ओके, और सी मतलब ग्लोबल, यहाँ पे सी क्या बन गया है मेरा, ग्लोबल मेरा सी पहले क्या था, ग्लोबल वेरिएबल था. अब इनसाइड द फंक्शन इसको यूज करने के लिए मैंने इसके आगे कौन सा कीवर्ड लगा दिया, ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया. ओके, तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देते हैं, कमेंट नाउ ऑनवर्ड्स सी will refer to global variable. अब जो C जो मैंने नेम लिया है वो किसको रेफर करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करेगा जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है. ओके, ग्लोबल वेरिएबल, राइट? नो, नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करा के उस पर मैं क्या कर रही हूँ, कैलकुलेशन करा रही हूँ, उसको यूज कर रही हूँ. अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे देती हूँ. तो अब जो भी काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल पे हो रहा है, लोकल वेरिएबल पे नहीं हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल पे हो रहा है. ठीक है, ग्लोबल वैल्यू ऑफ सी इज इंक्रीमेंटेड बाय 2. ठीक है, मैंने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी है 2 से, मतलब उसमें. और अब यहां पे हम करा देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, हम करा देते हैं इनसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी. मतलब इस फंक्शन के अंदर आपकी सी की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे दे दिया. ओके, ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया. अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे. फाइन, प्रिंट करा दी. अब एक स्टेटमेंट और लेते हैं हम लोग. आउटसाइड एड फंक्शन, आउटसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी, ये डॉट्स लगाने की जरूरत नहीं है. इनसाइड एड फंक्शन, ओके, एंड आउटसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी. ठीक है, यहाँ पे सी प्रिंट करा. अब देखो मैं इसको बताती हूँ कैसे एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पर हमारा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, आपका कंट्रोल फर्स्ट लाइन पे जाएगा जहां पे आपने ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट किया है. ओके, देन आपका क्या है, फंक्शन हेडर आएगा तो आपकी फंक्शन की बॉडी स्किप हो जाएगी. आपका फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पर जाएगा. फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पे जाएगा तो आपका फंक्शन क्या होगा, इन्वोक होगा और उसकी इंटरनल बॉडी एग्जीक्यूट होगी. इंटरनल बॉडी में हमने क्या किया है, हमने ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने के लिए क्या किया है, ग्लोबल वेरिएबल के नेम के आगे ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया है. अब जो हमारा सी है वो किसको रेफर करेगा, वो ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करेगा. फाइन, तो अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन की तो वो किसके ऊपर होगी, वो ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर होगी यहाँ पे. ओके, तो अब देखो आपने एक और वेरिएबल लिया सी इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया सी इक्वल्स टू सी प्लस टू,
राइट, सी की जो करंट वैल्यू थी उसमें 2+ ऐड हो जाए, फिर आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया सी को. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा इनसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज सी. तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 निकल के आ जाएगा, 10+2 12. फाइन, अब देखो हमारा क्या था, जो भी चेंज आप ग्लोबल वेरिएबल में करते हो वो आपका आउटसाइड द फंक्शन वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है. ओके, तो जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, आउटसाइड स्टेटमेंट पे. फिर आपका क्या प्रिंट होगा, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, आउटसाइड द एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी. तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू होगी जो यहाँ पे थी. क्यों, जो भी वैल्यू चेंज होके आएगी फंक्शन के बाहर भी वही वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल की रहेगी. तो यहाँ पे 12 होगी तो यहाँ पर भी 12 होगी. फाइन, अब देखो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, लुक एट दिस. तो देखो सिंपल आपका आ गया है, आपने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया है बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड. देखो इनसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज 12, आउटसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज 12. ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया. फाइन, अगर मैं ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करती हूँ राइट, तो आपको पता है फंक्शन किसको प्रेफरेंस देगा, फंक्शन प्रेफरेंस देगा अपने लोकल वेरिएबल को अगर राइट. तो मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट कर दिया 5. ओके, एंड यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट हटा देते हैं अब राइट. और मैंने यहाँ पे इसको भी हटा दो राइट. और मैंने लिख दिया C++2. तो अब क्या होगा, अब फंक्शन किसको प्रेफरेंस देगा, अब फंक्शन प्रेफरेंस देगा अपने लोकल वेरिएबल को, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है, इसका लोकल वेरिएबल. तो 5 यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, C++7 राइट. इसको मैं बताती हूँ कैसे एग्जीक्यूट होगा. सबसे पहले आपका ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, आपने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया, फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे, इसको स्किप कर देगा बॉडी को. देन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे जाएगा तो आपकी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, C=5 लिखा है. तो ये मेरा क्या है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, फंक्शन लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा. और मैंने C=C+2 कर दिया है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 5 है, 5+2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7. और आउटसाइड जो वैल्यू प्रिंट होगी ग्लोबल वेरिएबल की प्रिंट होगी, दैट इज 10 राइट. तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो इस फंक्शन को, तो देखो वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पे फंक्शन ने प्रेफरेंस दी अपने लोकल वेरिएबल को. तो आपकी देखो पहले क्या है, इनसाइड द एड फंक्शन द वैल्यू ऑफ सी इज 7 और आउटसाइड द एड फंक्शन द वैल्यू ऑफ सी इज 10. तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हुआ है आउटसाइड द फंक्शन, और इनसाइड द फंक्शन आपका लोकल वेरिएबल एक्सेस हुआ है. तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो ग्लोबल वेरिएबल के नाम के आगे आपको ग्लोबल कीवर्ड लगाना होगा. ओके, देखो अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके अंदर. जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रही हूँ. मैंने ग्लोबल कीवर्ड बनाया, लगाया ग्लोबल सी. ओके, उसके बाद मैंने सी की वैल्यू चेंज कर दी राइट. मेरे पास सी ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होके आ गया, मैंने सी की वैल्यू चेंज कर दी, 5 कर दी, और सी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 7 बन जाएगी. अब देखो ये मेरा सी क्या बन चुका है, ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है. तो आउटसाइड फंक्शन भी इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 7 ही प्रिंट होगी. देखो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आया है रिजल्ट, इनसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज 7 ठीक है, और आउटसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज 7. ओके, तो आपका इनसाइड भी ये 7 है और आउटसाइड भी 7 है. क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे सी क्या बन गया, हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन गया है राइट. मतलब ये हमने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंज किया है जो, और चेंज करने के बाद वो कहाँ पे, ये ग्लोबल वेरिएबल को जहां पर भी आप आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस करोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी राइट. अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हम कर चुके हैं, हमें अच्छे से आ गया है डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, इट इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और विद इन अ ब्लॉक. जो वेरिएबल आप किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो वो कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल. ओके, ग्लोबल वेरिएबल इट इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस. तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर होता है, ये किसी भी फंक्शन या किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं होता, ये आउटसाइड द फंक्शन
एक्चुअली आउटसाइड द ब्लॉक होता है, राइट? इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन अ फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड. तो लोकल वेरिएबल आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? सिर्फ उस फंक्शन के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो जहां पे आपने उसको डिक्लेयर किया है, राइट? ग्लोबल वेरिएबल कहाँ यूज होता है? ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम. आप इसको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हो. आप आउटसाइड द फंक्शन इसको यूज कर सकते हो, आउटसाइड द ब्लॉक यूज कर सकते हो, इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द ब्लॉक यूज कर सकते हो, राइट? फॉर लोकल वेरिएबल लाइफ टाइम इज देयर फंक्शंस रन दैट इज एज लॉन्ग एज देयर फंक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. ये मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, जब तक कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है जिसके अंदर उसको डिफाइन किया गया है. दैट मींस द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ओके, एक छोटे से पार्ट में जहां पे उसको डिक्लेयर किया गया है, सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन तक लोकल वेरिएबल की लाइफ होती है. ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ क्या है? फॉर ग्लोबल वेरिएबल लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम रन. तो ग्लोबल वेरिएबल कब तक जिंदा रहता है, मींस कब तक उसकी लाइफ रहती है? जब तक कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके कंप्लीट नहीं हो जाता, ओके. दे लिव इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग. तो वो कब तक लिव रहता है, लाइव रहता है? जब तक कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके फिनिश नहीं हो जाता. ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.